हाय वेलकम आप सभी का, मैं हूँ पीके पे मिसेशन डायरेक्टर दीजिए और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एकदम जबरदस्त टॉपिक के बारे में। समझ आएगी नहीं, अभी जो टॉपिक चल रहा है एकदम जबरदस्त चल रहा है और जबरदस्त का एक हिस्सा और भी बाकी है अभी, अब जो भी इसमें सब जबरदस्त है समझिए। और आपको पढ़ने से ये अंदाजा लग गया होगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और हर टॉपिक को हम थ्योरी बताने के बाद उसके एग्जाम्पल जरूर बता देते हैं आप, ठीक है। और इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताएं कि आपके चैप्टर का जो सभी थ्योरी कंप्लीट होने के बाद एक न्यूमेरिकल सेशन चलेगा जस्ट कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। और न्यूमेरिकल सेशन होने के बाद आपका टेस्ट होगा। चलिए चलते हम लोग, ये यहाँ तक हम लोग आए थे डीसी सीरीज जनरेटर यानी डीसी श्रेणी जनरेटर का जो हम लोग यूटिलाइज यानी एप्लीकेशन यानी प्रयोग हम लोग देख चुके थे, कहाँ कहाँ करते हैं, कांस्टेंट करंट के लिए करते हैं ये सब हम जान चुके थे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए करते हैं, ट्राम कार में ब्रेकिंग के लिए करते हैं और हम ये भी बताए थे कि एक्साइटेशन के लिए करते हैं, सेल्फ स्टार्टर के लिए जनरेटर यूज करते हैं वो कौन सा होता है डीसी सीरीज जनरेटर होता है, ठीक है ना। और बूस्टर जनरेटर के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है ये है ना, क्योंकि बूस्टर जनरेटर के नाम से जानते हैं क्योंकि डीसी ट्रांसमिशन लाइन में ये क्या करता है वोल्टेज को बूस्टअप कर देता है। समझ गए बात को, चलिए और हम लोग बात करें अगला ट्रैक्शन के बारे में, ये आपको बता चुके थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए अब अगला टॉपिक जो आज का सेशन एक्चुअल में है उस पर ध्यान देते हैं। और आज का जो सेशन है सेल्फ एक्साइटेड यानी स्व उत्तेजित जनरेटर का दूसरा बेटा यानी दूसरा प्रकार था शंट जनरेटर। पहला कौन पढ़े थे डीसी सीरीज जनरेटर, उसके कार्य प्रणाली, उसके एप्लीकेशन, उस पर अलग छोटे से एग्जांपल भी हम लोग देख चुके थे, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले शंट जनरेटर। देखिए शंट जनरेटर, शंट से ये चर्चा हम लोग शंट मतलब समांतर का चर्चा किए थे, याद रखिए। अब बहुत ही अच्छे से सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट को समझेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा और भी फॉर्मूला के साथ समझेंगे। देखिए शंट जनरेटर में क्या होता है, शंट नाम है, शंट मतलब समांतर, इतना समझिएगा। शंट कोई भी चीज हो इसका मतलब पैरेलल समझा जाना चाहिए। तो हमने कहा कि जनरेटर में सबसे मेन चीज दो चीजें होती है, एक होती है फील्ड, एक होती है आर्मेचर। समझ गए बात को कि नहीं, तो ये जो सिंबल है ये आर्मेचर का है, याद है ये ब्रश है वन और बी, मतलब एक और दो बार इसमें और ये आर्मेचर है, इसके बीच में क्या होता है कंप्यूटर होता है और ये क्या करता है घूमता है, तो घूमता है और इसके समांतर कनेक्शन में ये जो गोल वाला होता है ना, हम आपको क्या बताएं कि ये जो अपना बॉडी और योक होता है इस पर क्या होता है, इस पर अपना फील्ड होता है, अपना इस पर फील्ड होता है ये, और इसके अंदर में अपना क्या होता है आर्मेचर होता है, ठीक है। और आर्मेचर में क्या कॉइल लपेटे होते हैं, कॉइल का काम क्या होता है, और ये अपना फील्ड कॉइल होता है, ठीक है। और इसमें ये कॉइल जब घूमता है और इस फ्लक्स को काटता है, और जब फ्लक्स काटता है तो क्या होता है, जब फ्लक्स काटता है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, लेकिन इनका जो कनेक्शन है ये फील्ड वाला कनेक्शन और आर्मेचर का कनेक्शन ये दोनों किसमें होता है समांतर में होता है, अलग अलग से जोड़ करके ये होता है। तो समझेंगे यहाँ पर आइए इस सर्किट डायग्राम समझेंगे, समांतर कनेक्शन में करंट और वोल्टेज का क्या माजरा है, क्या सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा बहुत आराम आराम से समझेंगे क्योंकि इनके सर्किट डायग्राम आप समझ गए, इसके कॉम्प्लिकेशन आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलिए बात करें, ये अपना क्या है, ये अपना आर्मेचर है, किसका शंट जनरेटर का। तो शंट जनरेटर में आसान से भाषा बात करें तो शंट जनरेटर का मतलब है कि वैसा जनरेटर जिसका फील्ड कॉइल यानी चुंबकीय क्षेत्र का कनेक्शन आर्मेचर के समांतर में होता है, क्या होता है आर्मेचर के समांतर में होता है, यानी जो करंट या वोल्टेज या ईएमएफ पैदा करेगा, यानी जनरेटर क्या करता है जनरेटेड ईएमएफ यानी एक वोल्टेज यानी ईएमएफ जनरेट करता है, कहाँ पैदा करता है आर्मेचर में, वो जनरेटर ईएमएफ का जो प्रकृति होता है उसके वजह से करंट की प्रकृति होती है वो क्या होता है अल्टरनेटिंग होती है, कहाँ पर आर्मेचर में। और आर्मेचर से निकलता है तो कम्यूटेटर के थ्रू किसको जाता है, ब्रश को जाता है, और ब्रश जो रिसीव करता है वो डीसी रिसीव करता है, कैसे कम्यूटेटर आता है, कम्यूटेटर उसे क्या करता है एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ये मैकेनिकल रेक्टिफायर के नाम से इसको जानते हैं क्योंकि यांत्रिक रेक्टिफायर नहीं है, ये क्या करता है ये एसी से डीसी में बदलता है, डिस्टकारी का काम करता है और ये मैकेनिकल है, मैकेनिकल रूप से करता है इसलिए मैकेनिकल डिस्टकारी कहते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं इसको कम्यूटेटर को। चलिए और इजी देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आर्मेचर है, इसमें जो पैदा होता है ईएमएफ उसको क्या बोलते हैं इजी जनरेटेड ईएमएफ यानी विद्युत भाग बल, उत्पन्न विद्युत भाग बल, यह इजी इसमें दिख रहा आपको इजी है। और इजी के बाद चर्चा करें इजी की वजह से इसमें क्या चलेगा आई ए, आई ए और आर्मेचर से करंट निकलेगा तो कहां जा रहे हैं ये इधर जा रहे ऊपर की तरफ, और आई ए को कितना रास्ता, दो रास्ता मिल रहा है यहां पर, कितना रास्ता, दो रास्ता मिल रहा है, और दोनों रास्ता की बात करें तो एक जा रहा है लोड की तरफ, एक जा रहा है फील्ड कॉइल की तरफ, एक जा रहा है लोड की तरफ और दूसरा फील्ड की तरफ। तो यहां पर जो आर्मेचर का करंट है, जो पैदा हुआ करंट है वो बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि जो फील्ड में जाता है और इस फील्ड का नाम क्या है शंट फील्ड, इसीलिए इसका नाम है क्या शंट फील्ड, तो शंट फील्ड के रेजिस्टेंस को आरएसएच बोलते हैं, क्या बोलते हैं आरएसएच, आरएसएच का मतलब शंट फील्ड रेजिस्टेंस। और ये जो आई ए निकला वो किसमें जाए शंट फील्ड में, तो ये जो करंट शंट फील्ड की तरफ जाता है तो इसके करंट को क्या बोलते हैं आई एस एच यानी शंट फील्ड में जाने वाला करंट, क्या बोलते हैं आई आई एस एच मतलब शंट फील्ड करंट, लिखा हुआ समझ लीजिए। उसके बाद ये जो करंट है शंट फील्ड में चला गया, उसके बाद जो बचा वो बाकी जो बाकी किसका लोड को, तो लोड में आने वाले करंट को हम क्या बोलते हैं, आपको बता चुके थे कि लोड में आने वाले करंट को हम बोलते हैं आई एल यानी लोड करंट, और लोड का जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध है उसको भार प्रतिरोध बोलते हैं यानी इट मींस लोड रेजिस्टेंस यानी आर एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर एल, याद रखिएगा। और ये प्रक्रिया करंट बढ़ जाता है तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बता रहे हैं कि जब आई ए निकलता है तो आई ए कितने रास्तों में बढ़ता है, दो रास्तों में, यानी आई ए किधर किधर जाता है शंट फील्ड यानी आई एस एच में जाता है और दूसरा किधर जाता है आर आई एल में जाता है, आई एल मतलब लोड करंट में जाता है, ध्यान दीजिएगा बहुत आराम से समझिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आई एल इसका मतलब एक फॉर्मूला क्या हो गया आपका, ये हो गया कि आई ए मतलब आर्मेचर करंट बराबर होगा आई एस एच प्लस आई एल, ये बात हमेशा याद रखिएगा, यही बात आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत आसान करेगा। अब जो कि कह रहा है कि आर्मेचर का करंट यहाँ पर लिखा हुआ आई एस एच प्लस आई एल, ठीक है सब क्लियर है, हम आपको बता रहे हैं। दूसरा कह रहा है अब ये बताइए कि जब इसमें रेजिस्टेंस आर एस एच है, समझिए बात, अब देखिए ये लोड ये आर्मेचर और ये फील्ड, फील्ड मतलब इसी से फ्लक्स निकलता है, इसी से फ्लक्स निकलता है और ये आर्मेचर कनेक्टर तार को काटता है, फ्लक्स निकलता है इसको आर्मेचर के कॉइल को। तो आर्मेचर शंट फील्ड और लोड एक साथ जुड़े हुए हैं, इसके कनेक्शन समांतर में जुड़े हुए हैं, किसमें समांतर में, आपको दिख पा रहा है समांतर में। और याद रखिएगा अगर कोई भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस समझिए, आर्मेचर में भी कॉइल कनेक्टर इसका भी रेजिस्टेंस है और ये भी लोड में भी कहा लगाते हैं, लोड में भी रेजिस्टेंस लगाते हैं, लोड इट मींस रेजिस्टेंस, बोथ आर सेम, नाम अलग अलग है, ठीक है ना।
नाम आया है बतवा सेम सेम, क्या था डिफरेंस नहीं मानी, बतवा सेम सेम वही बात है। चलिए चर्चा करें, जब हम लोग का कोई भी सर्किट पैरेलल में होता है तो सभी जगह का वोल्टेज क्या होता है, समान होता है, होता है ना जी। करेक्शन समझे थे कि नहीं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जब पैरेलल में है सभी चीज जुड़े हों तो वहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप का नियम है वो क्या होता है, सेम होता है। आइए हम बात करें यहाँ पर, ये जो वोल्टेज इसमें जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, आरएसएच में जो वोल्टेज का खपत होगा वो कितना होगा, तो फील्ड में यानी आरएसएच इंस्टेंट फील्ड के प्रतिरोध में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा देख लेते हैं। वोल्टेज ड्रॉप मतलब वी बराबर आई आर, क्या वी इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस तो किसका रेजिस्टेंस, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, यहाँ पर क्या आरएसएच और करंट तो आईएसएच, यानी यहाँ जो फील्ड में वोल्टेज ड्रॉप होगा फील्ड में आने वाली करंट आईएसएच और फील्ड का रेजिस्टेंस आरएसएच के गुणनफल के बराबर होगा, मल्टीप्लिकेशन के इज इक्वल टू होगा बीएसएच, समझ गए बात को। और लोड में जो वोल्टेज मिलेगा, जो वोल्टेज ड्रॉप जो मिल रहा है वो कितना होगा, लोड में आने वाली करंट और लोड का रेजिस्टेंस, यानी वीएल जो होगा लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका आईएल होगा और क्या होगा आरएल, मतलब आई और आर लोड के पास है ना, तो लोड के पास मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए अगर वोल्टेज ड्रॉप दे दिया जाए आपको निकालना है तो दो चीजें आप निकाल सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगर इसी से सब कुछ निकाल जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें करंट यानी कि शंट फील्ड में करंट का मान निकालना हो तो यही से निकाल सकते हैं, शंट फील्ड में करंट मतलब आई एस एच, आई वाला क्या होता है वी अपन आर होता है ना, तो वी अपन आर का मतलब हुआ कि शंट फील्ड में वोल्टेज यानी इसको हम क्या बोलते हैं वी एस एच, शंट फील्ड का वोल्टेज को वी एस एच और यहाँ का रेजिस्टेंस जो है शंट फील्ड का उसको क्या बोलेंगे आर एस एच, समझाए आप इधर ध्यान मत दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ समझिए लिखने के लिए आपको टोटल यहाँ पर दिया गया है, मतलब शंट फील्ड का करंट निकालेंगे तो आई एस एच बटे क्या सॉरी आई एस एच निकालना है तो वी एस एच मतलब शंट फील्ड का वोल्टेज बटे शंट फील्ड का रेजिस्टेंस आपको निकल जाएगा, शंट फील्ड का करंट निकालना पड़ेगा याद रखिए क्योंकि इसी शंट जनरेटर पर आधारित ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शंट जनरेटर पर आधारित मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इसलिए इसमें कॉन्सेप्ट में फॉर्मुला में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे जितना समय बोला जाए आपको बताने, समझ के बात क्यों जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे। चलिए इतना बात समझ गए, दूसरी कहानी आपको बता दें थोड़ा सा कि ये जो वोल्टेज है टर्मिनल पर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं फिर से लिखना जरूरी है इस पर। चलिए और कहा है कि एक बात ये जो टर्मिनल पर वोल्टेज मिलता है ध्यान दीजिएगा, ये जो अपना टर्मिनल है ये अपना टर्मिनल पर वोल्टेज लोड को मिलता है वो इसमें पैदा होता है क्या ईजी ये ना, और ये ईजी होता है ईजी पैदा होता है इसमें भी क्या है आर्मेचर में भी क्वाइल है, क्वाइल का रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस में करंट जाएगा तो यहाँ भी ड्रॉप होगा तो पैदा हुआ कितना ईजी, हमें याद रखिए आर्मेचर में जनरेटेड ईएमएफ ईजी और उसमें ड्रॉप हो गया आईए आरए, मतलब आर्मेचर का रेजिस्टेंस और आर्मेचर का करंट क्या हो जाएगा उतना ड्रॉप हो जाएगा, ईजी उत्पन्न जितना हुआ जितना उसके अंदर खपत हो गया जो बाद बाकी मिलेगा क्या होगा वीटी, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज मतलब लोड को मिलेगा, समझ रहे हैं आपको क्लियर, तो वीटी क्या करने के लिए यहाँ पर जो प्राप्त होगा यहाँ उत्पन्न हुआ तो वहाँ जो खर्चा हो गया उत्पन्न जनरेटर ईएमएफ माइनस लॉस को अगर बात करें कैलकुलेट करें तो आपका रिमेनिंग वोल्टेज कितना बचेगा वीएसएच सॉरी वीटी बचेगा यानी वीएल यानी लोड का लोड वोल्टेज या आप उसको टर्मिनल वोल्टेज वीटी कह सकते हैं, ये लिखा गया यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज वी इज इक्वल टू ईजी माइनस आईए आरए, समझ गए आपको ईजी माइनस आईए आरए। दूसरा क्या है ये पावर कितना जनरेट करेगा, कोई भी जनरेटर जब पावर के टर्म में बात करें ये वोल्टेज और करंट के टर्म में बात की है, अगर पावर के टर्म में बात कर ले तो पावर के टर्म में क्या कह सकते हैं आप कि पावर मतलब वी इज इक्वल पी इज इक्वल टू वीआई, तो वीआई यहाँ पर क्या कर रहा है उत्पन्न पावर, तो पावर वोल्टेज जो उत्पन्न करता है कितना वोल्टेज उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर वोल्टेज उत्पन्न करता है क्या कोई भी जनरेटर जो वोल्टेज उत्पन्न करता है वो करता है ईजी करता है भाई, और वहाँ पर करंट जाएगा आर्मेचर में आईए तो वोल्टेज उत्पन्न किया ईजी और वहाँ पर करंट बनेगा आईए तो उत्पन्न पावर ईजी इंटू आईए यानी उत्पन्न विद्युत बल और आर्मेचर धारा का गुणनफल, तो वो पावर अंदर में डेवलप किया जनरेटर, समझ रहे हैं अंदर में जनरेट किया इतना पावर लेकिन उतना पावर आपको मिलेगा नहीं, उसको अपना भी पावर खर्चा है तो खर्चा काट के आपको देगा, खर्चा मतलब उसके अंदर भी पावर खपत है क्योंकि वहाँ भी रेजिस्टेंस है वहाँ भी आपको करंट बह रहा है तो वहाँ भी क्या होता है पावर लॉस होता है, ध्यान दीजिएगा ये हुआ उत्पन्न पावर उत्पन्न शक्ति किसका जनरेटर का। अब आपको जो पावर मिलेगा लोड को जो पावर मिलेगा लोड को कहां मिलेगा लोड को पावर मिलेगा तो लोड का पावर निकालने के लिए पावर निकालने के लिए एक ही बात आपको पता है वोल्टेज टू करंट होना चाहिए, क्या चाहिए वोल्टेज टू करंट होना चाहिए करंट का बात करिए, यानी कि तो लोड में करंट आएगा कितना, तब लोड पावर की बात करें आपको जो आउटपुट पावर है आउटपुट शक्ति यानी इसी को हिंदी में निर्गत शक्ति बोलते हैं इंग्लिश में डिलीवर्ड पावर बोलते हैं जो आपको जनरेटर डिलीवर्ड करेगा ये वाला जनरेटर, तो देखिए यहां पर क्या होगा कि वी एल इनटू आई एल यही पावर देगा आपको, लोड को जो वोल्टेज मिला लोड पर जो करंट मिला वही आपको पावर मिला, समझ आपको यानी उत्पन्न पावर ईजी इनटू आईए डेवलप पावर बोले उसको और जो आउटपुट आपको मिलेगा जनरेटर टर्मिनल पर मिलेगा लोड को देने के लिए बल पंखा को देने के लिए टोटल पावर मिलेगा वो कितना मिलेगा लोड का वोल्टेज इनटू लोड पर करंट, वो पावर की कोई दिक्कत है एकदम आराम समझिए ये तो हो गया। और आपको बता दें कोई भी जनरेटर जो वोल्टेज इंड्यूस करता है वही जीवन 5 एमपी/60 ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये चर्चा एक्चुअल में यही था, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे ना वही एकदम जल्दी था, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार इसको रिव्यू करके आप देख सकते हैं, समझ गए आपको। चलिए थोड़ा सा एक बार आगे चले आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ क्या है उसके साथ इसमें क्या लिखा हुआ वो भी चर्चा करें, थोड़ा सा इसको मिटाएं हम क्लीन करें। देखिए करा वैसा जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग मतलब फील्ड वाइंडिंग क्या हो आर्मेचर के समांतर में जुड़े हो, आर्मेचर के समांतर में इस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग पतली तार तथा अधिक टर्न की बनी होती है, ये बात बोलना भूल गए थे, ये तो पूछा जाता है कि जो शंट जनरेटर है या शंट मोटर है दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम है, चर्चा वही है यही जनरेटर मोटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और उसी मोटर को जनरेटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं तो बोला सेम हो जाएगा मैकेनिकली कंस्ट्रक्शन में, अब पावर देने लेने की बात है तो वहाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि ये आप इलेक्ट्रिसिटी आपको देता है डिलीवर करता है लेकिन मोटर में आपको इलेक्ट्रिसिटी इनपुट करना पड़ता है मतलब आपको देना पड़ता है, वहाँ आपको मैकेनिकल एनर्जी डिलीवर करता है मोटर, ठीक है तो ये क्या हुआ पतली तार होना चाहिए और अधिक टर्न हो तो कोई बात नहीं है, अगर है कि शंट जनरेटर को लोड के बिना स्टार्ट करना चाहिए, ये क्या बोल दिया भाई साहब बहुत अच्छा बात बोला है कि डीसी शंट जनरेटर को कभी लोड लगाकर स्टार्ट नहीं करना चाहिए, अगर लोड लगाकर स्टार्ट करेंगे तो वोल्टेज बनने में और वोल्टेज मिलने में आपको बहुत लेट लगेगा, हो सकता है कि जनरेटर आपको वोल्टेज दे देगा
मतलब ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि जनरेटर को अगर लोड के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको वोल्टेज नहीं भी दे सकता है, आपका मशीन चलेगा, मतलब कहीं बात नहीं कि जनरेटर खराब है, मशीन आप डीजल इंजन के पीछे में लगा उसको चला दीजिए, खूब स्पीड बढ़ा दीजिए, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब भी जो वोल्टेज पैदा होता है डायनमो में आगे पैदा होता है ना, जनरेटर जो पार्ट होता है, कॉइल होता है, मैग्नेट उसके अंदर पैदा होता है, आप ये मत समझिए मशीन स्टार्ट किया बट स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है तो आपको वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाए। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दी समझाने से पहले, अच्छा एक बात बताइए, जो लोग गांव में या कहीं भी शहर में जो शादी फंक्शन ओकेजन में जनरेटर वाला आता है मशीन लेकर के वो स्टार्ट करके लाइटिंग की व्यवस्था करता है, उसको आप लोग देखते होंगे कि वो स्टार्ट कर देता है मशीन को और तब जाके बाद में आगे में चार्ज होता है, क्या करता है बाद में आगे में चार्ज होता है। अब ये बात बताइए भाई कि आप कभी ध्यान दिए हैं कि कहा होता है, हम तो बचपन यही देखते थे कि पगला है वो जब जोड़ना ही है तो जोड़ के स्टार्ट कर, जोड़ देता है माता स्टार्ट चलने लगता है, क्या जरूरी स्टार्ट करना फिर जाके तार जोड़ना टर्मिनल पर तब जाके लाइट देना, तब धीरे धीरे बाद में समझ आया कि उनको भी पूछे तो बताइए ऐसे बोला कि स्टार्ट करते लोड बढ़ जाता है इसलिए बाद में जोड़ते हैं, उसको क्या समझ है कि वो क्या होगा क्यों ऐसा करते हैं, उसको इतना ही समझ में आता था कि बिना लोड का चलाते हैं, बिना लोड मतलब बिना तार जोड़ लिया स्टार्ट करके तब जोड़ते हैं, तो उन लोग कहता था कि स्टार्ट करने में दिक्कत होता है इसलिए लोड बढ़ जाता है ना तो स्टार्ट करने में दिक्कत होता है इसलिए हम लोग हटा के चलाते हैं, अब बाद में स्टार्ट करने का जोड़ देते हैं। अब कहते सब कुछ तुम्हें समझ जाएगा तो बाकी लोग क्या समझेगा, समझिएगा लोड पहले क्यों नहीं लगाता है, लोड लगाएगा तो उसके जनरेटर वोल्टेज पैदा नहीं हो सकता, ये आपको उत्पन्न प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आइए समझते हैं सर क्या बोल रहे हैं। देखिए अगर लोड के साथ स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस जनरेटर को तो क्या होगा, ये आपको फील्ड में रेजिस्टेंस मैग्नेटिज्म होता है थोड़ा सा होता नहीं होता है, अब से चुंबक होता है जिससे कुछ ना कुछ फ्लक्स क्या होता है आपको मिलता रहता है, कुछ ना कुछ फ्लक्स क्या होता है इसको मिलता रहता है, याद है आपको अगर इसको स्टार्ट किया जाए लोड के साथ तो करंट कहां पैदा होगा आर्मेचर में होगा ना, अतः ये करंट क्या करके निकलेगा समझ रहे हैं, अगर कम प्रतिरोध का लोड हो, अगर लोड में हो सकता है कम प्रतिरोध का हो तो करंट का लक्षण है, करंट का कैरेक्टरिस्टिक है कि जिधर से लोड यानी प्रतिरोध कम मिलता है करंट उसी रास्ते से गुजर जाता है, इस रूप से हम आपको बता रहे हैं। तो जो आर्मेचर में वोल्टेज पैदा होगा थोड़ा सा रेसिस्टिव मैग्नेटिज्म के कारण फील्ड में जाएगा तो फील्ड से फ्लक्स की मात्रा बढ़ेगा, आपको बताए पीछे ये क्या करेगा ये करंट निकलेगा आइए आई एस एस को भी जाना चाहिए करंट, तब करंट का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर फर्क ज्यादा बढ़ेगा चुंबक का निर्माण होगा चुंबक के क्षेत्र का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जब लोड में कम हो तो करंट क्या करेगा पूरा का पूरा करंट लोड में आ जाए, किसने लोड में आ जाए तो जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है तीन चार फ्लक्स काट रहा था बस वही काटेगा उसके बाद बढ़ेगा नहीं करेगा, तो जब फ्लक्स बढ़ेगा नहीं फ्लक्स के परिवर्तन में दर में फ्लक्स का मात्रा नहीं बढ़ेगा तो कितना स्पीड से घुमा लीजिए ये तीन चार फ्लक्स काट रहा पहले से रेसिडुअल मैग्नेटिज्म वाला तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण थोड़ा सा वोल्टेज पैदा होगा, अब पता चलता है जनरेटर का क्या हुआ मशीन नया नया स्टार्ट करने वाला था वोल्टेज नहीं बनता, तो यही कारण है कि लोड को लगा करके कभी भी जनरेटर को स्टार्ट नहीं करते हैं, और याद रखिए हमेशा स्टार्ट करिए आप करें कि सर खोल के चला के दिखाई कैसे होगा, अगर मान लीजिए इसको हटा दीजिए इसको यहाँ से हटा दीजिए अब स्टार्ट करिए, जब स्टार्ट करिएगा जनरेटर को तो अब जो करंट जाएगा तार खुला हुआ तो जो भी करंट पैदा हुआ फ्लक्स की वजह से चुंबकीय फ्लक्स जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण थोड़ा सा बचा हुआ था ये जो भी पैदा करेगा निकलेगा तुरंत घुस जाएगा, अब कॉइल में करंट घुस गया तो करंट से और फ्लक्स लगेगा, करंट जाने की वजह से कॉइल में और अधिक फ्लक्स लगेगा और ये वोल्टेज बनाने लगेगा और लगभग पूरा स्पीड पकड़ लेता है तब तक बहुत ज्यादा फ्लक्स क्या होता है फील्ड से निकलने लगता है और चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फील्ड क्या होता है मजबूत हो जाता है और वोल्टेज बनना शुरू हो जाता है, तब जाकर के क्या करता है बंदा अब आपके तार जो टर्मिनल बॉक्स है वहां पर जाकर तार जुड़ेगा और जहां जहां संपर्क लेना है वहां ले जाएगा, इसलिए डीसी जनरेटर को कभी भी लोड के साथ स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप समझ लीजिए और आपको ऐसे समझाएं जैसे आपको क्लियरली वे में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ये था सर जनरेटर की कहानी समझ गए बात को, अब आप लोग क्या करिए इसे आराम आराम से लिखेंगे, ठीक है चलिए क्लीन कर लिए इसको नोट कर लीजिए, दिखा है आर्मेचर करंट तो सबको यहाँ लिखा गया, आर एस एस क्या है शंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस यानी शंट वाइंड का प्रतिरोध, आई एस एस क्या है करंट फ्लोइंग थ्रू शंट फील्ड मतलब आई एस एस मतलब शंट फील्ड में बहने वाला करंट, देखिए आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस जो पिछले बार आपको बता चुके हैं, आई एल लोड करंट, आई एल लोड करंट, आर एल लोड रेजिस्टेंस, आर एल का मतलब लोड रेजिस्टेंस यानी लोड में आने वाला प्रतिरोध कितना भाई है, ठीक है हिंदी में भी लिख सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है इतना तो थोड़ा सा चलता है भाई, इतना भी अगर नहीं समझ पाए तो कैसे होगा, आज के जमाने में कहते हैं कि थोड़ा सा इंग्लिश करने जाने तो बड़ी दिक्कत है कैसे, तो ये बात आपको बता दे रहा है थोड़ा सा इंग्लिश के कमजोरी की वजह से किसी दुकान किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल में ढूंढने में घुसने में क्या दिक्कत होता है एंट्री नहीं कर पाते आप, वहाँ क्या लिखा होता है आप देखेंगे तो वहाँ लिखा होता है पुश या पुल, तो जो लड़का क्या है नहीं समझ आ रहा थोड़ा सा समझ नहीं आएगा तो पुश मतलब क्या होता है ना वो लड़का जाकर खींचता है, ठीक है ना खींचता है गेट खुले नहीं करता है तो इधर उधर करता है फिर समझ नहीं आता ऐसा प्रॉब्लम बहुत लोगों को होगा, ठीक है ना चलिए अब पुल की बात करें पुल मतलब होता है कि खींचिए तो वहाँ पर क्या समझ खींचता खींचा तो ठीक है वहाँ क्या लगा नीचे क्या अंदर तरफ ढकेला नहीं पता तो आगे तरफ खींचेगा अब पढ़ नहीं पा रहा है पूछ सकती पूरे क्योंकि उसको दिमाग उतना एग्रेसिव है ही नहीं उसके प्रति समझ ना तो वो हालत कैसा होता है ये कुछ लोगों को जरूर पता चला होगा, ठीक है चलिए इसको नोट करिए बढ़ते आगे चलिए शंट जनरेटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते ध्यान दीजिएगा, शंट जनरेटर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट वोल्टेज के लिए करते हैं सीरीज के लिए करंट वाला बात किए थे कांस्टेंट करंट के लिए और यहाँ बात करें तो कांस्टेंट वोल्टेज के लिए करेंगे, कहता है कि आपको पहले ही बताए थे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेल्डिंग सेट अल्टरनेटर एक्साइटर के लिए और विशेष तौर पर बैटरी चार्जिंग के लिए सब उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा बैटरी चार्जिंग के लिए हमेशा याद रखिएगा शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और कहा है एक्साइटर के लिए एक्साइटर की चर्चा करें पिछली बार भी हम चर्चा कर चुके थोड़ा एक्साइटर के बारे में, एक्साइटर में क्या होता है कि अगर आपको एक्साइटर का मतलब फील्ड बनाने के लिए फील्ड पोल निर्माण करने के लिए जो उत्पादन होता है उत्पादन केंद्र में वहाँ पर हम क्या करते हैं शंट जनरेटर लगाते हैं बाहर से सप्लाई देते हैं, इसको आप आगे चलते जाएंगे एक दो समझ में जाएगा अल्टरनेटर पढ़ेंगे वहाँ क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, एक्साइटर मतलब क्या पहले बोले एक्साइट करने के लिए मतलब फील्ड पैदा करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए उपयोग किया जाता है, और याद रखिए बैटरी चार्जिंग बोलिए वेल्डिंग सेट याद रखिएगा वेल्डिंग सेट जो होता है अपना ये वेल्डिंग के लिए क्या करते हैं अपना डीसी शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं, और याद रखिए ये बैटरी चार्जिंग है देखा नहीं बैटरी चार्जिंग डीसी जनरेटर लगा करके चार्जर लगा करके आप क्या करते हैं इसको चार्ज करते हैं, समझ गए आपको, और कहा है कि डीसी जनरेटर का उपयोग कांस्टेंट वोल्टेज में किया जाता है ये बात कह दिए, और कहा है कि ध्यान दीजिएगा आगे कहा है कि आप केंद्रीय पंप यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप ये देख पा रहे आप ये जो आपका पंपिंग सेट है समझ ना तो पंपिंग सेट पे पानी जो आप लोग क्या करते हैं लेते हैं तो वहाँ मोटर लगा होता है क्या लगा होता है मोटर, तो मोटर जो लगा होता है तो वो मोटर चलेगा किससे अगर आपको बिजली नहीं है तो जनरेटर लगा करके मोटर चला सकते हैं, तो जनरेटर जो सप्लाई देते हैं हम लोग जनरेटर से जो मोटर में सप्लाई देते हैं वो वहाँ पर उपयोग करते हैं क्या डीसी जनरेटर का, समझ गए बात को
क्लियरली समझिएगा, आप कहेंगे सर पंप में तो मोटर लगाते हैं, हाँ भाई मोटर लगाते हैं उसी मोटर को सप्लाई देने के लिए, क्यों? क्योंकि वहाँ जो लोड होता है कॉन्स्टेंट लोड होता है, समझिएगा आपको कि जो भी पानी पाइप से निकलेगा उसका एरिया उसका आयतन क्या है हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, पानी पाइप में जितना भरा है उतना ही लोड को हमेशा खींचना, ऐसा नहीं है कि एक बार लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, पानी उतना ही खींचना है, लोड वहाँ पर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट वोल्टेज वाला जनरेटर हम वहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर है कि हल्के लाइटिंग के लिए, मतलब शादी है ना मेरे लोकेशन में, वहाँ पर लाइटिंग का बहुत ज्यादा भार नहीं होता, एक घर का होता है उसके पूरे घर में जितनी लाइटिंग की व्यवस्था होती है उस पर हम चलाते हैं, वहाँ क्या करते हैं डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। याद रखिए आपको याद हो गया होगा कि शादी ब्याह में जनरेटर यूज किया जाता है वहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज के लिए हमेशा खोल के रखा जाता है बाद में जाता है, क्यों? अब आप समझ रहे हैं, आप किसी जनरेटर चालू करने वाले को टेक्नीशियन को पूछेगा शायद क्या बताया आपके, अलग बात है। चलिए मींस आगे चले, कम शक्ति की मोटर चलाने के लिए मतलब बहुत बड़े मोटर को नहीं चला सकते, जो इसके लेवल जिस जनरेटर में पावर की बात करें तो वहाँ पर 200-250 से सके नियर अबाउट में जो चलेगा उस पर चलने वाले मोटर को चलाने के लिए डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं, समझ गए बात को, ये थे आपको एप्लीकेशन। आइए इसके बाद थोड़ा सा चर्चा करें इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। देखिए हमने ये कहा कि कैरेक्टरिस्टिक का पूरा विश्लेषण और भी आपको नहीं पूछता है, इसलिए किसके किसके बीच का कैरेक्टरिस्टिक यानी अवलक्षण को क्या बोलते हैं और जो कर्व होता है वह निम्नलिखित में किन किन राशियों के बीच यानी फील्ड करंट, फील्ड रेजिस्टेंस और ईजी यानी वोल्टेज उत्पादन करता है उसके बीच ग्राफ खींचेंगे तो किसको क्या बोलेंगे, कैसा ग्राफ बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ यह डीसी जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब जो हम लोग डीसी जनरेटर बनाए थे उसी का, देखिए और याद रखिएगा क्योंकि आप प्रैक्टिकल करते होंगे तो दो तीन चीजें आसान से दर्शाया जाता है, क्योंकि हमेशा हमेशा टर्मिनल का नाम लिखा जाना बहुत जरूरी है, एक बार समझ लीजिएगा, ये फिगर बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी होता है जब प्रैक्टिकली बात करते हैं ना तो सभी का टर्मिनल का नाम लिखना पड़ता है, इसलिए लिखना पड़ता है कि अगर यही बात हम लोग क्या करेंगे मोटर में जाएंगे और टर्मिनल थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा वो उसका स्पीड कनेक्शन बदल जाता है, इसलिए हमेशा टर्मिनल का नाम लिखना जरूरी होता है, समझते हैं बात को, कर रहा है ये जो फील्ड है इसको एक सिरा F1 दूसरा F2 बोलते हैं, ये जो जनरेटर का इजी पैदा करने वाला आर्मेचर है आर्मेचर का एक सिरा A1 एक सिरा A2 हो गया, और आर्मेचर से निकलने वाला करंट बताया आपको IA होता है, और IA जब निकलता है तो दो रास्तों में बटता है, एक जाता है लोड के तरफ उसे IR बोलते हैं, क्या बोलते हैं IR बोलते हैं, और ये जाता है फील्ड के तरफ इसे ISH बोलते हैं, और फील्ड का नाम है सम फील्ड इसका रेजिस्टेंस है RSH, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको दो तीन चीजों के बीच वर्सेस करके तुलनात्मक करके हम ग्राफ का निर्माण करते हैं, ठीक है, कौन से ग्राफ का किसके किसके भी संबंध है आपको सिर्फ इतना याद रखिएगा, क्योंकि पूरी की पूरी ग्राफ आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आए कि ग्राफ से देखकर तो पहले से कई लोग भाग जाते हैं, स्वामी 90% लड़के ग्राफ से भाग जाते हैं, ग्राफ जो खींचा जाता है जो प्लॉट किया जाता है उसमें लड़के निकल लेते हैं, इसलिए हम भी क्या किए लड़कों को इतना ही समझाने की कोशिश किए कि भाई टाइप लगेगा क्वेश्चन 100% बनना चाहिए इस पर काम करो, समझ बात को, तो ठीक है हम समझा रहे हैं आपको समझिएगा। देखिए टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल पर कैपेसिटी की बात करें टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच, समझिएगा बात, जब भी कोई जनरेटर आपको पहली बार मिलता है तो आप क्या चेक करते हैं स्टार्ट करके जनरेटर को, यह चेक करते हैं कि उसके टर्मिनल पर कितना वोल्टेज मिल रहा है और लोड के साथ जोड़ेंगे तो कितना करंट मैक्सिमम दे सकता है, लेकिन जब लोड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज पर और उसके करंट पर क्या क्या असर पड़ेगा, किस तरह से वोल्टेज बढ़ सकता है किस तरह से करंट घट सकता है, इसके बीच ग्राफ का निर्माण करता है, तो उसे सबसे पहले क्या कहते हैं ये याद रखिएगा लोड करंट पर कैरेक्टरिस्टिक शंट जनरेटर का, अगर लोड पर लगा दिया उस समय ये कैसे बिहेवियर करेगा, तो उसके बीच में ध्यान दीजिए ये आपका क्या है, हमेशा हम बोले थे कि जब भी ग्राफ पर बात करिए तो ग्राफ में हम आपको क्या बताएंगे कि जो भी दो एक्सिस होता है एक एक्सिस होता है एक्स एक्सिस एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग क्या करते हैं हमेशा बताए थे कि करंट देते हैं, और ये टर्मिनल करंट की बात करें तो लोड करंट की बात करें तो यहाँ IR देंगे, और ये जो ग्राफ है ये टर्मिनल वोल्टेज की ग्राफ की है तो यहाँ क्या देंगे VT देंगे, ठीक है, और याद रखिएगा संट जनरेटर क्या करता है जो वोल्टेज देता है वो कांस्टेंट वोल्टेज देता है, ये बात हम आपको बता रहे हैं शुरू से कि संट जनरेटर कांस्टेंट वोल्टेज देता है, तो मैक्सिमम कांस्टेंट वोल्टेज अगर बात करें तो क्या कांस्टेंट वोल्टेज देगा इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, अगर आप लोड को बढ़ाए हैं तो धीरे धीरे क्या होगा थोड़ा सा वोल्टेज में चेंज होगा, कितना थोड़ा सा वोल्टेज में चेंज होगा थोड़ा सा कितना थोड़ा सा इतना सा चेंज होगा, ये किसके वजह से IA RA की वजह से IA RA जो ड्रॉप चला जाता है उतना कमी होगा और बाद बाकी लोड के टर्मिनल पर आपको वोल्टेज मिल जाएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ लोड बढ़ाने से करंट क्या होगा उसमें ज्यादा मांगने लगेगा तो ज्यादा करंट की मात्रा बढ़ जाएगा वोल्टेज का मांग थोड़ा सा कम हो जाएगा लगभग 5% कितना 5% ये, तो ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है ये देखिए ऐसा ग्राफ हम क्या दे रहे हैं लिख लीजिएगा इस पर एक्स एक्सिस पर IL और वाई एक्सिस पर VL है, और याद रखिए ये वाला अपना क्लियर कर देते हैं ये जो ग्राफ है ऐसा ठीक है ना मतलब ये वाला ऐसा और इस पर IL और इस पर क्या है EG इस पर VT थोड़ा सा फर्क कम हो जाएगा ये VT इधर ये जो ग्राफ है ये किसके किसके बीच है ऐसा ग्राफ किसके किसके बीच बन रहा है बोलेगा लिखा हुआ देखो ना टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच ये आपको ग्राफ याद रखना है ऐसा ग्राफ जब भी मिले डीसी जनरेटर में डीसी जनरेटर के शंट जनरेटर की बात करें तो ये होगा किसके लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच ये फर्स्ट वाला आपका समझ में आ गया ये तो था आपका बाहर वाला कैरेक्टरिस्टिक जो हम टर्मिनल वोल्टेज पर बात कर रहे थे याद रखिए अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये टर्मिनल को कितना देगा ये बात इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक पर बात करता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जनरेटर के अंदर जो ईजी पैदा होता है जनरेटर यहाँ पैदा होता है उसके बाद टर्मिनल को ये क्या देगा टर्मिनल को ये क्या देगा कौन सी स्थिति बात की ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है बाहर के लोड की वजह से समझ अब ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये आपको समझा देते हैं कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक जो जनरेटर अंदर में वोल्टेज पैदा करता है और उसके लोड में क्या होता है जाता है तो उससे पहले क्या होता है उससे पहले जो कहानी होती है उसके विषय आपका बात करता है जब कोई भी जनरेटर अंदर में पैदा करता है तो उसके बाद टर्मिनल को देता है हमें क्या होता है कांस्टेंट लोड पहले वो पैदा करता है डेवलप ईजी ठीक है ईजी पैदा करता है तो IA RA लॉस होता है IA RA लॉस के बाद ये कांस्टेंट लिमिटेशन के बाद क्या करता है वोल्टेज देता है किसको टर्मिनल की तरफ लोड को तो अंदर में टर्मिनल के बाद यहां से जो वोल्टेज मिलता है ये कांस्टेंट मिलता है मतलब IA जो मिलता है उसके आधार पर यहां पर VT कुछ कम होकर मिलता है ये फिक्स टर्मिनल की तरफ जाता है ये इसका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है किसके किसके बीच ये जो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट का इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है क्या इंटरनल मतलब जो आर्मेचर में पैदा होगा आर्मेचर से निकलने के लिए टर्मिनल की तरफ जाएगा तो टर्मिनल को जितना रास्ते में अरे पहुंचकर कितना मिला ये तो यह कहानी है कि बाहर में लोड पाने से क्या हुआ लेकिन ये है कि अंदर में जो पैदा हुआ उसके बाद जो टर्मिनल की तरफ जा रहा है तो वही VT यानी कि टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट का इंटरनल वाला है जिसको हम लोग ICC बोलते हैं क्या बोलते हैं ICC समझ गए ये और याद रखिए ये ICC यानी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है इसका इसके डीसी जनरेटर का इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है अब बात करें इसका ओपन कैरेक्टरिस्टिक का अगर लोड को हटा दिया जाए लोड को खोल दिया जाए
ऐसी स्थिति में स्टार्ट है, अब ये मत मिलाइएगा माइंड में कि सर ओपन में चलता ही नहीं। हमने कहा कि चल रहा है, वोल्टेज पैदा हो रहा है, बाद में लोड हटा सकते हैं, वैसे भी लोड इसको लगाना नहीं है, समझ गए ना, लोड के साथ चलता नहीं है, तो हम चेक करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर वोल्टेज। याद रखिए कभी भी किसी भी लोड में करंट तब जाता है जब उसके साथ लोड लगा होता है। तार में करंट कब बहती है? जब उसके साथ लोड लगा होता है। लोड खुला रहेगा करंट नहीं जाएगा, लेकिन वोल्टेज आप पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। याद रखिए तो ओपन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं इसको, इंटरनल सर्किट का क्या होता है ICC बोलते हैं। तो ओपन कैरेक्टरिस्टिक में चर्चा करें तो अगर जनरेटर स्टार्ट कर दिए और लोड नहीं लगा, वैसी स्थिति में ग्राफ का प्लॉट कैसा होगा, कैसा ग्राफ निर्माण करेगा और किसके किसके बीच ग्राफ का निर्माण करेगा। भाई सर्किट अगर ओपन है तो लोड करंट तो होगा ही नहीं, अगर सर्किट ओपन है मतलब लोड कोई लगा नहीं गया है, जनरेटर ओपन है खुला है तो कोई लोड लगा ही नहीं है, तो लोड का करंट पर तो चर्चा नहीं होता। तो ये ओपन सर्किट टेस्ट जो चेक किया जाता है वो नो लोड पर किया जाता है। याद रखिएगा नो लोड मतलब जनरेटर के साथ कोई लोड नहीं है, समझ गए ना बात को। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, नो लोड का क्या होगा, यहाँ पर आएगा फील्ड करंट और इसके बाद ईजी, यानी ये जो ग्राफ खींचा गया है ना ये वाला, याद रखिए ये वाला ग्राफ है IF यानी फील्ड करंट और यहाँ ईजी के बीच, इसके बीच ईजी के बीच। आपको पहले से ही पता है कि कोई भी जनरेटर एक लिमिट वोल्टेज तक क्या लिमिट वोल्टेज पैदा करता है उसका सैचुरेशन मीडियम चला जाता है, मतलब फिक्स मैक्सिमम क्वालिटी चला जाता है, मैक्सिमम क्वांटिटी पैदा करता है, स्थिर हो जाता है और लेवल डाउन होता है। और याद रखिए ये थोड़ा सा कम होता है, 5% कम हो जाता है, वोल्टेज घटने लगता है बाद में। ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, ओपन कैरेक्टरिस्टिक। याद रखिए ओपन कैरेक्टरिस्टिक ऐसा सिंबल बनता है और ओपन कैरेक्टरिस्टिक में जो ग्राफ खींचा जाता है वो किसके किसके बीच का चर्चा ग्राफ करता है, वो करता है फील्ड करंट और इसके बीच, यानी फील्ड करंट मतलब यहाँ जो करंट है इसके अंदर में जो ईजी पैदा होता है इसके बीच, यानी ईजी और IF के बीच में जो ग्राफ किया जाता है वो OCC होता है। सॉरी OCC मतलब ठीक है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, समझे। ज्यादातर आपको यही पूछता है और इंटरनल लोड के साथ पूछेगा, ये पूछेगा दो, इसमें क्या है लोड पर ऐसा और ये बिना लोड का ऐसा, ये दोनों ग्राफ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखेगा। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक आपको नहीं पूछता है क्योंकि एक आईटी टेक्निशियन को इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक से क्या मतलब, इंटरनल कितना वोल्टेज बना कितना लॉस हुआ, ये तो इंजीनियर का काम है, जो बनाता है कंस्ट्रक्शन का निर्माण करता है, जनरेटर के वहां पर लिमिट होते करता है उसकी जरूरी है। आपके लिए क्या जरूरी है, यहाँ वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है और खुला है तो कैसा स्थिति रहेगा चेक करने के लिए, क्यों ठीक है। चलिए छोटा क्लियर करें, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब डीसी जनरेटर की बात आनी आती है किसका, डीसी कंपाउंड मोटर का, किसका डीसी कंपाउंड जनरेटर का। तो हमने कहा था कि सेल्फ एक्साइटेशन में तीन वंशावली हुए, मतलब तीन बेटा हुआ, पहला सीरीज दूसरा संट उसके बाद कंपाउंड, सीरीज संट को मिल करके किसका निर्माण हुआ कंपाउंड का, समझ गए बात को। तो दोनों गुण रखने वाला, यानी सीरीज का भी गुण रखने वाला और संट का भी गुण रखने वाला, ये दोनों मिलकर कंबाइंड जो वाइंडिंग किया गया है, जो अरेंजमेंट किया गया जनरेटर में, वैसे जनरेटर को कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे। देखिए हम एक बात आपको बता रहे, जितना अच्छा से जितना क्लियरली से आप जनरेटर समझ जाएंगे तो मोटर दो दिन की कहानी है, जनरेटर समझ गए मोटर में कोई दम नहीं है। अब मोटर में थोड़ा सा पार्ट अलग होता है उस पर चर्चा किया जाता है और कुछ नहीं है, स्पीड कंट्रोल पर चर्चा किया जाता है, बाकी यही कहानी वाली होती है, समझ के बात को। इसी ईजी को वहाँ पर ईबी बोल देते हैं, ये जनरेटर यहाँ पर वहाँ बैक हो जाएगा, कोई अंतर नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त जितना आसानी से जितना क्लियरिफाई करके आप जनरेटर को कंप्लीट करते हैं, जनरेटर को समझते हैं, उतना कॉन्शियस आपको वहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम यही से क्रिएट होता है, वहाँ प्रॉब्लम आता नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है तो मोटर में आपको प्रॉब्लम होगा, समझ बात को। चलिए हम लोग बात करें डीसी कंपाउंड जनरेटर की, डीसी कंपाउंड जनरेटर की बात करें तो कंपाउंड जनरेटर में आपको बता दें कि सीरीज में सीरीज फील्ड होता था आर्मेचर के साथ सीरीज में, और संट में क्या होता था कि आर्मेचर के साथ साथ पैरेलल में होता था एक फील्ड। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर चर्चा कर दोनों फील्ड है, ये वाला भी फील्ड है और ये वाला भी फील्ड है, आर्मेचर के सीरीज में लगा हुआ है ये और ये लगा हुआ है, इन दोनों के पैरेलल में लगा हुआ है, यानी इन दोनों के समांतर में है। देखिए समांतर वाला भी है और सीरीज वाला भी, तो ऐसा जनरेटर का निर्माण जो हम लोग करते हैं उसको कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सीरीज फील्ड और संट फील्ड दोनों है। ऐसी स्थिति में करंट और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसमें करंट कैसे कैसे निकलता है और कहाँ कहाँ जाता है, ये बात हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा चले चर्चा के पता बात करें तो हम आपको बता दें, याद रखिए कि आपको याद है कि ये मैं कहाँ पैदा होता है, हाँ ये बात सही पकड़े, आर्मेचर में क्या हुआ, आर्मेचर में ईएमएफ यानी ईजी पैदा हुआ, जनरेटर ईएमएफ पैदा हुआ यानी इंड्यूस वोल्टेज यानी उत्पन्न विद्युत वाहक बल, और यहाँ उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो क्वाइल होता है अंदर में आर्मेचर में उसी में पैदा होता है, किसको देता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर किसको देता है बस को, कंप्यूटर देता है बस, और बस ले जाता है आगे। चलिए तो ये IA जो निकला ये सीरीज फील्ड में गया, तो IA कहाँ सीरीज फील्ड में जाएगा, ISC भी क्या होगा, मतलब जो आर्मेचर से निकला सीरीज फील्ड में जा रहा है, जो आर्मेचर सीरीज में ये और यहाँ से निकला तो दो रास्ता मिला, एक शंट फील्ड की तरफ ना ISS की तरफ और दूसरा मिला लोड यानी IL की तरफ। याद रखिएगा IA बराबर ISE यानी सीरीज फील्ड करंट, ये दोनों बराबर है क्योंकि सीरीज में करंट का रास्ता एक ही है, इन दोनों में इनमें इनमें करंट का मान समान होगा, और ये जो बटेगा ये इधर जाएगा और इधर आएगा, दो रास्ते में बढ़ जाएगा, जो संट फील्ड में आएगा उसे संट फील्ड का करंट बोलेंगे, संट फील्ड धारा बोलेंगे, और जो लोड में करंट जाएगा उसे लोड धारा यानी क्या बोलेंगे IL बोलेंगे, लोड करंट बोलेंगे, समझ गए बात को। देखिए लिखा हुआ ISE मतलब सीरीज फील्ड में करंट बराबर IA बराबर में IL प्लस ISS, मतलब ये जो IA होगा IA का मान ISS इधर बटा, मान लीजिए कि ये 15 एम्पीयर पैदा किया आर्मेचर में और यहाँ से निकला तो 7 एम्पीयर मिलेगा, 7 एम्पीयर मिला संट वाला को, और इधर कितना मिलेगा 8 एम्पीयर, इसका मतलब है कि IA यानी 15 होने के लिए 8 प्लस 7, तो यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ISH प्लस IL को जोड़ेंगे 4 से 15 होना चाहिए, समझ गए बात को। ये बात था आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन का, अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वोल्टेज के साथ क्या कहानी होगा सर ये बताइए, तो वोल्टेज के साथ क्या होगा ये समझाते हैं आप, वोल्टेज के साथ क्या होता है ध्यान दीजिए, यहाँ पैदा हुआ आर्मेचर में क्या पैदा होता है ईजी, हाँ तो बोल रहे हैं आर्मेचर में क्या पैदा होगा ईजी, और ईजी जब इसमें क्या होगा कुछ खपत भी हो जाएगा, खपत कितना होगा ईजी में से IA और IL, आर्मेचर का करंट और आर्मेचर का रेजिस्टेंस की वजह से खपत हो जाएगा, तो जितना पैदा होता है खर्चा कर लिया, और खर्चा करने के बाद मिलेगा वो देखिए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मिलेगा सीरीज फील्ड वाला को, और सीरीज फील्ड वाला को मिलेगा यहाँ आके क्या होगा यहाँ निकलेगा, यहाँ आएगा सन फील्ड में, यहाँ आएगा किसके लोड में, तो लोड में और सन फील्ड में दोनों किसमें आपस में पैरेलल है, तो दोनों जगह जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या सेम होगा, याद रखिए V जो वोल्टेज पर मिलेगा कितना मिलेगा, याद रखिएगा ये मिलेगा ईजी ईजी माइनस, यहाँ पर दो ड्रॉप मिल रहा है आपको, ये तो यहाँ ड्रॉप होगा ही उस बाद इसमें भी ड्रॉप होगा, ये तो ईजी में से IA RA घटा दिए तो यहाँ से निकला, अब सीरीज में भी खर्चा होगा, अब सीरीज में भी खर्चा होगा तब मिलेगा इसको, तो सीरीज में खर्चा होगा उसको घटा दीजिए, तो सीरीज वाला में सीरीज का करंट और सीरीज का रेजिस्टेंस IC इसको भी घटा दीजिए, ठीक है, या क्लियरली मैं आपको लिख देता हूं ध्यान दीजिए।
कोई भी जनरेटर, ये वाला जनरेटर पैदा किया कितना इजी। देखो भाई आराम से समझना, कोई दड़पड़ी नहीं है, इसको समझिएगा ना आगे तुरंत समझ में आएगा। मोटर दो दिन में खत्म हो जाएगा, आप कहें तो तीन दिन नहीं लगेगा जैसे, लेकिन ये इसको ज्यादा पढ़ना है। ये जितना क्लियरिफाई समझ में आ जाएगा वहाँ उतना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चाचा को बार बार कर रहे हैं आप, कोई भी जनरेटर अंदर में पैदा करता है आर्मेचर में करंट पैदा होता है, और आर्मेचर में करंट पैदा होता है किसी वजह से, इजी की वजह से। हम लोग बात कर रहे हैं यमक का, यदि वोल्टेज का करंट का खत्म कर दिए तो वोल्टेज पर बात करें तो वोल्टेज पैदा हुआ इजी, और आर्मेचर में खर्चा हो गया आईए आरए, ये तो खर्चा हो गया। अब इससे निकला आ जा रहा सीरीज की तरफ, ये वाला मिटा देते हैं हम, ये सीरीज में तो सीरीज में खर्चा होगा, तो सीरीज में खर्चा होगा यहाँ पर क्या करेगा, इसका भी खर्चा निकाल लिया, इसमें खर्चा कितना जाएगा माइनस करेंगे, सीरीज में तो सीरीज वाला करंट आई एस ई और सीरीज का रेजिस्टेंस आर एस ई, ये भी तो खर्चा है ना। इन दोनों खर्चा को घटा देंगे, इन दोनों खर्चा घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा वोल्टेज, मिल जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, इसलिए यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज वहाँ लिख करके वी वाला लिखते हैं कितना इजी माइनस आई आर माइनस ये, इसको अगर सॉल्व करें तो आपको आ जाएगा क्या इजी माइनस आई ए कॉमन लीजिए आई, देखिए यहाँ पर देखिए ये बात यहाँ से करने जा रहा है आई ए और यहाँ आई एस सी, तो दोनों आपस में क्या है बराबर है ना, ठीक है ना। आई ए आर्मेचर से निकलने वाला करंट निकल रहा है, आर्मेचर से निकलने वाला करंट निकल रहा है, निकला इसी रास्ते में ये भी पड़ता है, एक ही रास्ता है, तो आर्मेचर का करंट और सीरीज फील्ड का करंट क्या होगा सेम होगा, जो आर्मेचर से निकलेगा वही ना जाएगा सीरीज में, इसीलिए आई ए बराबर आई एस सी। यहाँ आप लिख सकते हैं इजी माइनस आई ए कॉमन ले लीजिए, इसमें बचेगा आर ए माइनस भी कॉमन ले लीजिएगा तो बाहर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आई आर एस सी, मतलब इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस जो दीजिए दोनों जाएगा, ये हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखा गया लिख दीजिए सुन लीजिए कि बी बराबर इजी माइनस आई ए कॉमन है और आर ए प्लस आर एस सी हो जाएगा, समझ गए कंपाउंड का कहानी। इसका बात करें पावर कितना करेगा, तो पावर तो कोई पैदा करेगा, कोई भी जनरेटर हो, जब पावर डेवलप की बात करें, पावर पैदा करने का बात करेगा, अंदर में उत्पन्न कितना होगा पावर, तो पावर उत्पन्न होगा आर्मेचर में, आर्मेचर में वोल्टेज और आर्मेचर में करंट, इन दोनों की वजह से आपको पावर पैदा होगा। मिलेगा कितना ये बात तो बाहर बात करें, अरे मिलेगा बचेगा कितना ये तो खर्चा पर डिपेंड करेगा, कमा खूब रहे हैं, अरे आपकी सैलरी इनकम कितनी है, इनकम उतनी है, जो आप नौकरी कर रहे हैं वो आपकी सैलरी है, वो इनकम वही से, अगर एक नौकरी कर रहे हैं आप तो नौकरी वाले को पड़ी 25,000 मिल रहा है, तो 40,000 आपका इनकम है वो फिक्स इनकम है, जिस व्यक्ति का आप नौकरी कर रहे हो इनकम है, वही इनकम रहेगा, समझ बात को, तो 40,000 इनकम है तो आपको बचेगा कितना ये डिपेंड करता है खर्चा कहाँ कहाँ करें ना, खर्चा देखिए नहीं है, इनकम एक ही है 40,000 का, खर्चा आप ज्यादा ज्यादा कर सकते हैं, तो लॉस के बाद जो टर्नओवर पर मिलेगा वो खाने बाद में सोचेंगे, लेकिन पैदा हमेशा इजी इनटू आई ए पावर की बात कर रहे हैं, किसका पावर का वोल्टेज करेंट का, ये डेवलप पावर है। अब बात करा कि ना कि पावर डिलीवर्ड कितना करेगा, मतलब निर्गत शक्ति कितना होगा, निर्गत पावर, देखो भाई आपको पहले लिखा दिया निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति का मतलब आपको डिलीवर्ड कितना करता है, डिलीवर्ड कितना करेगा, डिलीवर्ड तो आपको उतना करेगा जो आपको मिल रहा है, सेविंग कितना जो आपको खर्चा के बाद बच रहा है, तो पावर पैदा हुआ इजी माइनस तो इजी इनटू आई ए, और खर्चा हुआ इस सप्ताह में खर्चा हुआ है, और लोड पर मिला है, लोड पर जो पावर निकालेगा तो लोड पर वोल्टेज मिलेगा, लोड पर करंट मिलेगा, वही डिलीवर पावर है, एकदम हमेशा समझिएगा, किसी भी जनरेटर में जब डिलीवर पावर की बात करें कि आउटपुट शक्ति कितना होता है, आउटपुट शक्ति आपको लोड पर जितना वोल्टेज है, लोड पर जितना करंट मिल रहा है, वही आपका डिलीवर पावर है, यानी समझिए हर जगह सेम होता है, याद रखिएगा, मान अलग होता है, मतलब फॉर्मूला सेम होता है, मान अलग होता है, मतलब इस मत समझिएगा कि सबका पावर सेम होता है, पावर का वैल्यू अलग होता है, फॉर्मूला सेम होता है, हर जनरेटर में इजी इनटू आई ए पावर डेवलपिंग है अंदर में, और हर जगह आप आउटपुट शक्ति की बात करें तो वीआर इनटू आई ए है, लोड वोल्टेज लोड करंट, समझ गए बात को, ये था कंपाउंड का कुछ कहानी, और याद रखिए ये सब चीजें कंपाउंड का प्रॉब्लम पूछता है, इस तरह की आपको फिगर को इस तरह के आपको समझना चाहिए, समझ गए, वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस इस तरह से पूछे नहीं जाते, ज्यादातर क्वेश्चन आपको जनरेटर से पूछे जाते हैं और सीरीज जनरेटर से पूछे जाते हैं, समझ गए बात को, याद रखिएगा, चलिए हम सब तीन करें आगे बढ़े, सब लिखा दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये देखिए आपने लिखा हुआ इस जनरेटर में आर्मेचर सीरीज फील्ड तथा शंट फील्ड दोनों होते हैं, तो क्या बात है सीरीज और शंट दोनों होते हैं, दोनों होते हैं तो कंपाउंड बोलते हैं इसको, डीसी कंपाउंड जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में होती है, कोई भी जनरेटर है उसका रेटिंग किलोवाट नहीं होता है, जो आउटपुट पावर देता है वो क्या देता है किलोवाट, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए हम ये शुरू कर रहे हैं, अब हम लोग बात करें डीसी कंपाउंड जनरेटर में जो है हम आपको बता दें कि डीसी कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार, कंप्लीट समझिएगा कि डीसी कंपाउंड जनरेटर के भी अब दो प्रकार है, आपने अभी पढ़ा है अभी तक में कि पूरा तो शुरू से पढ़ ही रहे थे, जब सेल्फ एक्साइटेड की बात करें स्व उत्तेजित की बात करें उसमें तीन जनरेटर पढ़ चुके थे, पहला पढ़ चुके हैं श्रेणी जनित यानी सीरीज जनरेटर, दूसरा पढ़े कौन शंट जनरेटर उसका एक्सप्लेनेशन, और तीसरा जो बेसिक पढ़े कंपाउंड वाला, तो सीरीज और शंट मिलाकर के कंपाउंड पढ़े, अब कंपाउंड के अंदर चलते हैं, वो कहानी सीरीज और शंट का खत्म हो गया, अब कंपाउंड में आएंगे तो कंपाउंड का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा जानवर इसका कहानी, इसका फैमिली बड़ा है, तो फैमिली में जिसका फैमिली बड़ा हो उस फैमिली में उतार चढ़ाओ सम्मिलित, किसी से किसी को मिला नहीं होता है, किसी 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 के साथ ज्यादा फ्रेंडशिप है, किसी किसी का विरोध करता है, जब फैमिली बड़ा हो जाए तो लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज्यादा होता है, और प्यार मोहब्बत भी ज्यादा होता है, इनकम भी ज्यादा होता है, और जब लॉस होता है तो लॉस भी ज्यादा होता है ना, कि बड़े फैमिली में तो जो भी चीज खरीदी बहुत ज्यादा पैसा खरीदना पड़ेगा, और जब पैसा आता है थोड़ा करके इनकम आता है बहुत ज्यादा पैसा भी आता है, ये सब कहानी आगे पूरा क्लियरली समझेगा, हम चल रहे हैं डीसी कंपाउंड जनरेटर के वंशावली यानी इसके पार्ट में इसकी कहानी लेकर चले, ठीक है, ये चलिए चले, डीसी कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, दो प्रकार के, इसमें सीरीज और शंट था तो कुछ नहीं करेगा, सीरीज और शंट के कनेक्शन को चेंज करके नाम बदल देगा, मतलब डीसी कंपाउंड मोटर के दो मोटर में जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर के याद रखिएगा, कभी कभी आपको जनरेटर बदले मोटर बोला जाए तो आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि जनरेटर मोटर में सेम कहानी चलती है तो याद हो जाता है बोलते बोलते, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ओके, तो डीसी कंपाउंड जनरेटर, अब भाई आपको पढ़ा रहे हैं आप सामने में यहाँ होते तो आप कंफ्यूजन टूक देते तो कंफ्यूजन तुरंत क्लियर हो जाता, सॉरी लेकिन यहाँ तो कोई कहने वाला है नहीं, आप हैं कहीं और हमें कहीं और, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिएगा, इतना आसान आसान से आपको बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, डीसी कंपाउंड जनरेटर के दो प्रकार, फर्स्ट है क्या शॉर्ट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, यानी ये क्या बोलते हैं शॉर्ट शंट, समझ रहे हैं, और दूसरा है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, कौन कौन, शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, हिंदी में यहाँ शॉर्ट लिखा गया इसको लिख दीजिएगा, ये लॉन्ग लिख दीजिएगा, लॉन्ग लॉन्ग शंट, क्या शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, समझिएगा सर, कंपाउंड में अब देखिए अब आपको दिमाग थोड़ा सा दही होगा, अगर जो भी लोग
थोड़ा सा इधर दिमाग को अगर कहिएगा जो बकवास है एकदम बकवास हो जाएगा। अगर दिमाग को कहिएगा नहीं कुछ नहीं है समझना है तो दिमाग जो सोचता है जो आप उसे इंडिकेट देते हैं जो आप उसे परमिशन देंगे वही करेगा, ठीक है ना। तो परमिशन आप सही सही दीजिए और ये कुछ नहीं सवाल इसमें पूछे जाएंगे लेकिन इसका कनेक्शन आपको समझ में आना चाहिए। ये बात इसी फिगर को समझ करके आपको याद हो जाएगा, डिफिनेशन रटेंगे तो नहीं याद कर पाएंगे। हम आपको डिफिनेशन रटाने के लिए पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहे हैं। चलिए हम लोग चर्चा करें शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंड, नाम सुनिए शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंड। अभी अभी समझा देंगे किसके साथ शॉर्ट लगाए, शॉर्ट के साथ। शॉर्ट मतलब क्या होता है, छोटा। समझिएगा कोई भी जो जनरेटर है उसका वोल्टेज या करंट कहाँ पैदा होता है, वो पैदा होता है आर्मेचर में। आर्मेचर से करंट निकलेगा आईए, क्या निकलेगा आईए, और आईए किधर किधर जा रहा है पता है कि आई आर्मेचर से करंट आती है आईए और ये कहाँ कहाँ जाइए ये समझाएगा। ये समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा इसका कनेक्शन। देखिए आर्मेचर से करंट निकला आईए यहाँ यहाँ आने से पहले किधर घुस गया, पहले घुस गया शॉर्ट फील्ड वाला समांतर वाला फील्ड, है ना, ठीक है, और उसके बाद गया सीरीज वाला। तो याद रखिए कि आर्मेचर का करंट शॉर्ट रास्ता किसके लिए, शंट के लिए, मतलब शंट फील्ड में करंट का छोटा रास्ता है, कम दूरी तय करके आया, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट, मतलब शंट का कनेक्शन को करंट जाने के लिए छोटा रास्ता है, तुरंत क्या पहले इसमें घुस गया और ये सीरीज को अब इसके बाद जाएगा जो बचेगा वो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड, मतलब शंट फील्ड भी है और सीरीज फील्ड भी है, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इसका नाम पड़ गया क्या शॉर्ट शंट, क्योंकि इसमें शंट प्रतिरोध में करंट पहले घुस गया शॉर्ट रास्ता अपना लिया। अब और क्लियर होगा जब आप लॉन्ग शंट समझेंगे। आई यहां पर आइए, ये लॉन्ग शंट है, लॉन्ग शंट जनरेटर में कंपाउंड ऐसा है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर देखिए यहां भी पैदा हो रहा है आई है और लॉन्ग शंट जनरेटर में करंट आने के लिए आर्मेचर से पैदा होकर निकला और जाकर कहां गया, ये गया सीरीज में, और सीरीज के बाद लंबा डिस्टेंस लंबी दूरी तय करके बाद क्या आया शंट में आया, इसलिए इसके कनेक्शन के आधार पर इसको क्या बोलते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड। कंपाउंड इसलिए है कि सीरीज और शंट दोनों कनेक्शन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। दोस्त इतनी आसानी से इतना क्लैरिफाई करके हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको अब समझ में नहीं आएगा तो कब समझ आएगा, अब तो सुधर जाइए। चलिए कोई बात नहीं, बहुत मजे में हम लोग देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा हमें भी। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने हम कर रहे हैं ना, इसलिए इंपॉर्टेंट को अच्छा देता है, जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए तो अच्छा सा प्रभाव होता है, इंपॉर्टेंट तो वही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग को डेफिनेशन लिखा गया उसका पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, इससे समझ आता क्या, इसमें ध्यान दीजिए कि जब शंट वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में और सीरीज वाइंडिंग दोनों की सीरीज में हो तो जुड़ा हुआ इस प्रकार का जनरेटर शॉर्ट शंट जनरेटर कहलाता है। समझ में आ रहा है ना, अब समझ में जाएगा, पहले बोलते तो समझ नहीं आता। कह रहा है कि जब शंट फील्ड इन दोनों के समांतर में हो और सीरीज फील्ड इन दोनों के सीरीज में हो, ये कह रहा है, तो बात तो वही कहा कि इन दोनों को समांतर में और उसके सीरीज में अलग लगा दिया। समझिए थोड़ा सा अपने अपने तरफ से फिगर ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, ये देखिए ये अपना क्या है आर्मेचर है, इसमें ईजी पैदा होगा, इसे आगे निकलेगा, इधर जाने से बजाय इधर आ जाएगा, पहले सॉरी सन फील्ड वाला, पहले इसमें आया बाद इसमें गया, इसलिए इसको शॉर्ट सन, ये दोनों आपस में पैरेलल में, इन दोनों की सीरीज में सीरीज फील्ड है। समझ गए आपको, इसके बाद इसका फिगर शॉर्ट बता रहा था आपको, ये देखिए कुछ नहीं है, ये सीरीज फील्ड है, ये क्या है आर्मेचर है, ये बस है, यहां से निकला करंट क्या इधर से निकला, इस बार ये पहले नहीं जा करके, इस बार पहले चला गया था, इस बार क्या बाद में आ गया, अब करंट को इतना दूरी तक करने के बाद आना पड़ा इसमें, इसलिए लॉन्ग शंट यहां पर थोड़ा चला गया शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्ट शंट, ये कहानी आप याद रखिए। यदि सीरीज वाइंडिंग में आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में, ये दोनों शंट के पैरेलल में, मतलब इस फील्ड के पैरेलल में, इसीलिए नाम क्या पड़ गया लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ये क्या समझ गए बात को, क्लियर चले, इसको नोट कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं क्या होता है। अब ये शॉर्ट शंट है और ये लॉन्ग शंट है, इनको भी दो आ जाती है, इनको भी दो बेटा हुआ, मतलब कंपाउंड को पोता होने वाला है, है ना, कंपाउंड को दो बेटा था ना, एक शॉर्ट वाला ठीक ना, छोटा वाला, अरे दो बेटा छोटा बड़ा हो सकता है, एक छोटा वाला शॉर्ट वाला एक लॉन्ग वाला, है ना, तो शॉर्ट वाला को भी दो होगा बेटा और लॉन्ग वाला को भी दो बेटा होगा, तो पहले शॉर्ट वाला पहला ही है ना, इसके बाद चर्चा करते हैं, समझ में पहला प्रोडक्ट था इसलिए शॉर्ट हो गया शॉर्ट सन कंपाउंड जनरेटर। आई समझते थोड़ा सा आगे और हम चर्चा करेंगे किसका, याद रखिएगा शॉर्ट सन कंपाउंड का, कंपाउंड का दो बेटा, एक शॉर्ट कंपाउंड एक लॉन्ग सन कंपाउंड, समझ रहे आपको, उसके बाद शॉर्ट सन को दो बेटा, समझ रहे हैं शॉर्ट सन को, ध्यान दीजिएगा, तो शॉर्ट सन यानी क्या, शॉर्ट सन को बेटा हुआ लॉन्ग सन का पोता ना, सॉरी कंपाउंड का पोता हुआ, कंपाउंड का पोता है, कंपाउंड का पोता यानी शॉर्ट सन का बेटा, समझिएगा, ये कह रहा है शॉर्ट सन कम्युलेटिव, शॉर्ट सन आगे नाम बढ़ा रहा है, कह रहा है कि भाई परिवार बढ़ा रहा है, नाम भी बड़ा बड़ा करो, काम भी बड़ा करना है, कह रहा है कि शॉर्ट सन का दो हिस्सेदारी है, दो बेटा है, पहला है शॉर्ट सन, अपने बाप का नाम लगा लिया, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप देखिएगा कि जैसे आप साउथ में चले जाइए बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ सरनेम लगाते हैं, क्योंकि उनके नाम में उनके पिताजी का नाम का ऐसा एड होना अनिवार्य होता है, सरनेम के साथ ऐसा माना जाता है कि वो लोग बेहतर होता है कि अपने नाम के साथ सरनेम होना जरूरी है। आजकल यहाँ आप तो बहुत जगह लोग क्या करें, नाम शादी ब्याह करें, सरनेम अपनी पत्नी का नाम लगा, मतलब अपने नाम के साथ किसी और का नाम, ठीक है, लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगता है, लेकिन सब जगह कल्चर बता रहे कि आजकल नए नए सरनेम वाला कुछ है, अलग नाम लगाते हैं, तो अपना अपना कॉम्बो नेम कपल नेम लगाते हैं, अच्छा ये भी ट्रेंड है, लगाई हम आपको बता रहे थे, मत मानिएगा भाई ऐसा क्यों, हम करेंगे आपकी मर्जी, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, हम की हमारी मर्जी है, हम बोलेंगे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बोले की तो व्यक्ति क्या जाती है, आपको गाली नहीं पड़ता, चलिए हम कह रहे थे शॉर्ट सर्ट का पहला बेटा शॉर्ट सर्ट कम्युलेटिव जनरेटर, सर क्या कर रहे हैं, हमने कहा कंपाउंड का पोता है, यानी पहले बेटा कंपाउंड का था शॉर्ट सर्ट, शॉर्ट सर्ट का पहला बेटा कम्युलेटिव, तो शॉर्ट सर्ट का पहला शॉर्ट सर्ट कम्युलेटिव, और कम्युलेटिव क्या होता है समझिएगा बात को, हम कोई भी भाषा पर बात नहीं करते, किताबी भाषा पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपनी भाषा पर चर्चा कर रहे हैं, शॉर्ट सर्ट कम्युलेटिव, याद रखिए
कम्युलेटिव, आपको पहले कम्युलेटिव शब्द का वर्ड समझा देते हैं कि कम्युलेटिव क्या होता है। क्या होता है कम्युलेटिव? कम्युलेटिव का मतलब हुआ सबको मिला करके चलना। जैसे फैमिली में देखिए दोनों का नाम सुन लीजिए, थोड़ा सा आपको समझ आए। शॉर्ट सन को पहला बेटा कम्युलेटिव है, बड़ा बेटा, ठीक है, कम्युलेटिव इन शॉर्ट सन कम्युलेटिव, और दूसरा है शॉर्ट सन डिफरेंशियल। डिफरेंशियल कम्युलेटिव, और देखिए प्लानिंग आपको समझा रहे हैं, शॉर्ट सन में दो बेटा, एक कम्युलेटिव एक डिफरेंशियल शॉर्ट सन का। तो कम्युलेटिव वाला जो है वो पहला बेटा, बड़ा बेटा जिम्मेदारी उसके पास है, वो मिलजुल कर चलता है। मिलजुल कर चलने का मतलब संयोजन करके चलता है, सबको मिला करके चलेगा। कम्युलेटिव मतलब संयोजित करके, समझ गए ना, सबको साथ मिला करके एक साथ जोड़ करके चलेगा। और ये दूसरा है जो बाद में आता है ना, उसका नखरा वाला खरा होता है, वो सबसे बदमाश होता है, उसका सोच उसकी कहानी एकदम डिफरेंट। डिफरेंट मतलब एकदम घर वाले कहता कि देखिए बड़ा बेटा घर वाले से मिलकर चलेगा, ठीक है, संयोजित करके चलेगा, लेकिन छोटा बेटा निकाल अलग हिसाब ये कहना अपनी मर्जी चलेगा। इन दोनों का डिफरेंट माइंड में चलेगा, नहीं कहेगा बाप पे चलेगा देखा चलेगा उधर, मतलब डिफरेंट मूड में चलेगा। तो शॉर्ट सेट का बिगड़े सबसे बदमाश कौन हुआ? डिफरेंशियल। लेकिन जो डिफरेंट करता है ना वो बड़ा काम भी करता है, मत समझिए डिफरेंट है एकदम पगला है, बात नहीं मानता है, तो कभी कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी समझ नहीं आ जाएगा आगे कैसे होता है। अच्छा याद रखिए कम्युलेटिव मतलब संयोजित करके समान सबको जोड़ करके, डिफरेंशियल मतलब दूसरे के विरोध में चलेगा, डिफरेंट हिसाब इसका, समझ गए। अब आपको समझाते हैं कि कम्युलेटिव और डिफरेंस कैसे करता है, किस आधार पर इसका नाम बताया गया। तो शॉर्ट सेट में याद रखिए कोई भी जनरेटर है, क्या जनरेटर है? जनरेटर एक ही काम है, वोल्टेज पैदा करना। मतलब इसका क्या काम है? पैसा कमाना, बेटा तो कमाते हो, वोल्टेज पैदा करने आ रहा है ना, जो जितना अच्छा वोल्टेज पैदा करेगा वो अच्छा काम करेगा। यहाँ पर देखिए, और वोल्टेज जो भी पैदा करेगा किसी भी आर्मेचर में कितना फ्लक्स काटता है, फ्लक्स के चेंजिंग के दर पर आपको पता चलता है कि कितना वोल्टेज पैदा करेगा। तो फ्लक्स के मात्रा अगर बढ़ा दे तो वोल्टेज अधिक पैदा होगा। तो याद रखिए इसमें एक चीज आपको दिखाई दे रहा है, क्लियरली समझा रहे हैं आपको। ये देखिए इसका आर्मेचर है और आर्मेचर से करंट पैदा हुआ, तो आपको पता है कि कंपाउंड है, तो कंपाउंड में दोनों फील्ड रहेगा, सीरीज वाला भी रहेगा और शंट वाला भी रहेगा। अब देखिए ये यहाँ से निकला और शंट फील्ड और सीरीज फील्ड का ऐसा कनेक्शन था कि शंट फील्ड में करंट करंट कनेक्शन, यानी शंट फील्ड में जो करंट आ रहा है आर्मेचर से, आर्मेचर से करंट निकला वो शंट फील्ड में गया, शंट फील्ड में भी करंट कनेक्शन नीचे की तरफ है और सीरीज फील्ड में भी करंट कनेक्शन क्या नीचे की तरफ है, समझिएगा बात। तो शंट फील्ड और सीरीज फील्ड में दोनों का करंट डायरेक्शन सेम है, तो याद रखिए तो इसका भी फ्लक्स का जो मात्रा निकलेगा, जो फ्लक्स निकलेगा ये भी क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो दोनों सीरीज फील्ड का फ्लक्स और शंट फील्ड का फ्लक्स दोनों जोड़ करके किसको देगा? आर्मेचर को। तो आर्मेचर घूमेगा तो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स कटेगा और वोल्टेज क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। कम्युलेटिव में क्या होता है कि सीरीज फील्ड का फ्लक्स और शंट फील्ड का फ्लक्स दोनों जुड़ जाता है, क्यों? क्योंकि यदि क्लीन करके आपको दिखाए, ये देखिए आर्मेचर से क्या हुआ, अपना करंट निकला और ये इधर गया सीरीज फील्ड में, दूसरा गया शंट फील्ड में। तो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड में दोनों में करंट कनेक्शन नीचे की तरफ है, तो मान लीजिए फ्लक्स निकलेगा तो दोनों का फ्लक्स क्या जुड़ जाएगा, और दोनों का फ्लक्स जुड़ जाएगा समान हो जाएगा, और क्या हुआ फ्लक्स समान बढ़ता है, फाई का मान बढ़ता है, तो फाई जितना काटेगा आर्मेचर को उतना ज्यादा वोल्टेज पैदा होगा। तो ये अच्छा हुआ ना, ये मिलजुल कर चला, दोनों फ्लक्स जोड़ करके जितना कमाता है टोटल वाले को आर्मेचर को देता है, यानी इसका शॉर्ट सर्किट का कम्युलेटिव, इसलिए फ्लक्स समान जुड़ जाता है कम्युलेटिव होगा। इसमें देखिए डिफरेंशियल में क्या करता है, जितना कमाता है लंगा उतना खर्चा करता है, कैसे देखिए एकदम ये डिफरेंट है, कमाए अपनी मर्जी चलेगा, कमाएगा अपने ज्यादा बर्बाद करेगा, बाप भी तबाह आ जाता है, जो मर्जी करो कुछ तो करो, अपना काम अपना आराम को क्या जाता है। देखिए डिफरेंशियल, डिफरेंशियल में क्या दिखेगा, चर्चा करें दो भाषा में बात करें यहाँ पर, एक्चुअली किताब लिखा था फ्लक्स का मान विरोध करता है, इतना लिखा गया, अब जाकर पढ़िएगा। अगर आर्मेचर ये है, आर्मेचर से करंट निकला और आर्मेचर से करंट निकल करके कहाँ जा रहा है भाई, सीरीज फील्ड में, सीरीज फील्ड में ऐसा कनेक्शन है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और शंट फील्ड में ऐसा कनेक्शन है इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है। बताइए कि शंट फील्ड का करंट और सीरीज फील्ड का करंट का डायरेक्शन उल्टा है, आपको पता है किसी भी कॉइल में दो कॉइल दोनों का करंट डायरेक्शन अपोजिट है, तो फ्लक्स क्या बनेगा? अपोजिट बनेगा। याद रखिए ये अगर शंट फील्ड का मेन काम समझिए, शंट फील्ड अगर फ्लक्स ज्यादा बनाएगा, शंट फील्ड अगर फ्लक्स बनाएगा आर्मेचर को देगा, लेकिन सीरीज फील्ड क्या करेगा, उसके विपरीत बना देगा, कमजोर कर देगा। तो जितना शंट फील्ड से फ्लक्स ज्यादा आर्मेचर को काटनी है, सीरीज फील्ड में करंट अपोजिट था, फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया, या क्या हो गया, फ्लक्स समान का विरोध किया, फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत चलता है, बनता है। तो सीरीज फील्ड का फ्लक्स शंट फील्ड के फ्लक्स का विरोध करता है, इसका सीरीज फील्ड का फ्लक्स इसमें शंट फील्ड के फ्लक्स का विरोध करता है, क्योंकि इन दोनों में करंट का डायरेक्शन उल्टा है, अपोजिट है दूसरे के, शंट में नीचे की तरफ जाए और सीरीज में ऊपर की तरफ जाए, तो फ्लक्स समान उल्टा होने, समझ, इसीलिए डिफरेंट काम करता है, डिफरेंट वे में चलता है, इसलिए शॉर्ट शंट डिफरेंशियल इसको बोलते हैं, समझ गए बात को। कम्युलेटिव में एक बात याद रखिए, कहानी के बाद कि शॉर्ट शंट कम्युलेटिव में फ्लक्स का मान जुड़ता है, शॉर्ट सर्किट डिफरेंशियल में फ्लक्स का मान एक दूसरे का विरोध करता है, मतलब शंट फील्ड के फ्लक्स का विरोध करता है सीरीज फील्ड वाला, समझ गए, ये आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर हुआ। अब बात करें सब नाम, तो यार इसी फिगर को ऐसे बनाइएगा, इसके बीच में ऐसा लाइन दीजिएगा, एक साइड इसका फिगर बनाइएगा और एक साइड ऐसा लाइन दीजिएगा, अरे भाई ऐसा लाइन देखिए, एक साइड ये बनाइएगा, एक साइड ये बनाइएगा, और इसके नीचे इसका इसका डिफरेंशियल जो भी आपका परिभाषा लिखेगा, और इसके नीचे में इसका डिफरेंशियल बुक में आप कॉपी में नोट में बनाइएगा, ऐसे फिगर को इसलिए आपको बताया समझाने के लिए, आप सेम टू सेम ये फिगर आपको पहले बनाया गया था, ये नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ लिखेगा ऊपर में ऐसा दो पार्ट बनाइएगा, शॉर्ट सर्किट कम्युलेटिव और शॉर्ट सर्किट डिफरेंशियल, समझ गए। तब इसका भी कहानी है, अब देखिए हम आपको बताएंगे इस शॉर्ट सन और ये कम्युलेटिव, यानी कम्युलेटिव है ये डिफरेंशियल है, तो ये इसका भी ना दो दो बेटा है, अब ये भी दादा बनने वाला है शॉर्ट, तो आगे चलिए पहले शॉर्ट सन में बात किए, तो पहले कंपाउंड जनरेटर का दो बेटा था, एक शॉर्ट सन इसका बेटा के बारे में पढ़िए, इसका लॉन्ग सन भी था ना, तो लॉन्ग सन के बारे में देखेंगे, चलिए बढ़ते आगे, और इसी का डिफिनेशन नीचे में लिखा गया, अभी आपको दिखाएं थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं, नीचे में डिफिनेशन उसको लिखिए, आप शॉर्ट सन कम्युलेटिव के बारे में लिखा गया और शॉर्ट सन डिफरेंशियल के बारे में कहा कि आपको क्या करना, एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है, ऐसा वाला शुरू से ऊपर में आप नाम लिख करके, या नहीं लिखना है ये नाम दोबारा नहीं लिखना, आपको शुरू में लिख लीजिएगा और इसके नीचे में डिफिनेशन लिखेगा, जो आप फिगर बनाएगा उस फिगर के नीचे इस डिफिनेशन परिभाषा को लिखेगा, और इसके यहाँ पर इसके ये भी लिखेगा, क्योंकि ऊपर में आपको फिगर था, समझ गया ना, इसलिए बनाना है, नोट्स भी ध्यान रखना है कि बार बार लिखे जाए, नया कोई चीज नहीं है, थोड़ा सा डिजिटल में पढ़ना आपको डिजिटल है, तो क्या पास ये पेज सेटअप कर रहा है, ठीक है, क्या लीजिए कम्युलेटिव के बारे में जो बताया समझ आया, डिफिनेशन परिभाषा में लिखे क्या लिखा है, कम्युलेटिव में क्या यदि सीरीज फील्ड का फ्लक्स शंट फील्ड के फ्लक्स को बढ़ाता है, मदद करता है, दोनों फ्लक्स जोड़ देता है, तो क्या होता है शॉर्ट शंट कम्युलेटिव हो जाता है, शॉर्ट शंट में मतलब शंट का रास्ता करेंट का
शॉर्ट होता है, छोटा रास्ता, आर्मी से तुरंत बात करना था समांतर वाला फील्ड में करंट का, ठीक है। और आपको हम चर्चा करें कि ये शॉर्ट शॉर्ट डिफरेंशियल की, डिफरेंशियल में क्या था, डिफरेंशियल में था कि जब सीरीज फील्ड के करेक्शन को उल्टा कर दिया जाता है, फिर सीरीज फील्ड में करंट करेक्शन बदल दिया जाता है, उल्टा करने का मतलब क्या, करंट करेक्शन बदल देना, तो क्या होता है सीरीज फील्ड का प्लस क्या करता है शॉर्ट फील्ड के प्लस का विरोध करता है, ये बात आपको बता दिया, इसलिए क्या बोलते हैं डिफरेंशियल, विरोध करने वाला को डिफरेंशियल कहते हैं, समझ गए बात को, एक साथ इसमें इतना पढ़ा है हम, इसी का एक निचोड़ मतलब एक समराइज रूप से हम लोग अंतिम में पढ़ेंगे इसका उपयोग कहां किया जाता है, अलग अलग उपयोग की बात नहीं करते, सीधा बेस्ट कम्युलेटिव और डिफरेंशियल प्राइज सिर्फ और सिर्फ दोनों को अलग करके उपयोग पूछ लिए जाते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे, लिख लिया आप लोग प्रसाद हो जाते हैं तो लिख लीजिए आप लोग ऊपर से नीचे फिगर के साथ ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए हम तो आगे बढ़ा रहे हैं आपको, अब हम क्या करें, ये शॉर्ट सन की कहानी था पीछे, शॉर्ट सन ना मतलब कंपाउंड का दो बेटा, एक शॉर्ट सन एक लॉन्ग सन, ये दूसरा वाला है कंपाउंड का है, और शॉर्ट सन को दो बेटा हुआ, एक कम्युलेटिव, किसके शॉर्ट सन कम्युलेटिव, एक शॉर्ट सन डिफरेंशियल, अब है लॉन्ग सन की बारी, कंपाउंड का दूसरा बेटा है, उसमें भी दो बेटा हुआ, कंपाउंड को चार गो पोता हो गया, एक दो लॉन्ग सन का बेटा और दो शॉर्ट सन का बेटा, समझ गए दोनों बेटे हैं, बेटा बेटी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेटा ही कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिफरेंशियल समझाना आपको, देखिए लॉन्ग सन कंपाउंड सेंटर में क्या होता है, लॉन्ग सन ये वाला फिगर आपको दिखाया है लॉन्ग सन में एक बार व्यू करने के लिए, लेकिन आपको ये फिगर यहां नहीं बनाना, सिर्फ उसी तरह दोनों फिगर यहां एक यहां बनाना है, नीचे में चार्ट बाय चार्ट इसे लाइन करना है, बीच में इसे लाइन खींचना है, एक साइड लिखना इसके बारे में, एक साइड लिखना इसके बारे में, ठीक है, तो लॉन्ग सन चर्चा कर ले, लॉन्ग सन का मतलब सन को लंबी दूरी की बात करने का, ये यहां सीरीज वाला है, इसके बाद पार हो किसने है, तो इसमें तो सीधा लॉन्ग शॉट का कम्युलेटिव कैसा होगा, लॉन्ग शॉट में डिफरेंशियल कैसा होगा, पहली बार शॉट था तो कम्युलेटिव और डिफरेंशियल इसमें वही हाल होगा, करंट का डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा इस सन फील्ड का करंट और सीरीज फील्ड का करंट, इन दोनों में डायरेक्शन कैसा है, ये दोनों फर्क को जोड़ता है कि घटाता है, ध्यान दीजिए, आइए हम क्या करें कि लॉन्ग शॉट का पहला हम लोग पढ़े लॉन्ग शॉट कम्युलेटिव, क्या लॉन्ग शॉट कम्युलेटिव, देखिए क्या हुआ लॉन्ग शॉट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ये वाला एक साइड वाला, ऐसे वाला डिफरेंशियल, जो कम्युलेटिव होता है दाहिने साइड में मतलब आपका दाहिना बेटा होता है, सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा जिम्मेदारी वाला होता है, और जो डिफरेंशियल है बाएं साइड में आता है, मतलब तुमको जो करना है करो लेकिन जाओ, ठीक है, याद रखिए कम्युलेटिव मतलब दोनों के फर्क को जोड़ता है, इसमें कुछ नहीं करना है कि हमेशा लॉन्ग शॉट में करंट सन फील्ड में सीरीज के बाद जाएगा, समझ गए, तो क्या करना है सन फील्ड का करंट कुछ इसमें सीधा से याद रखिए कि लॉन्ग शॉट के कम्युलेटिव में कम्युलेटिव वाला में सन फील्ड का करंट और सीरीज फील्ड का करंट दोनों समान दिशा में होगा, समान डायरेक्शन में होगा, तो लॉन्ग शॉट में ये भी क्या करेगा प्लस को जोड़ करके आर्मेचर को देगा, मतलब सन फील्ड का प्लस और सीरीज फील्ड का प्लस दोनों जोड़ करके आर्मेचर को काटेगा, आर्मेचर में सभी वोल्टेज होगा, ये क्या हुआ लॉन्ग शॉट कम्युलेटिव, शॉर्ट शॉट कम्युलेटिव की बात करें सॉरी लॉन्ग शॉट डिफरेंशियल, तो लॉन्ग शॉट डिफरेंशियल में भी यार लॉन्ग शॉट में सन फील्ड को करंट सीरीज के बाद मिलेगा लेकिन डायरेक्शन विपरीत मिलेगा, सीरीज फील्ड में देखिए ऐसे करेक्शन किया गया, ऐसे 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 देखिए ना इस क्वेश्चन ऐसे दिखाया गया भाई कि वहां पर करेक्शन जो है आर्मेचर में जनरेटर में इसी तरह के करंट डायरेक्शन को कॉइल को घुमा करके क्या करना, वहां पर क्या करना, कुछ नहीं करना, करेक्शन घुमा के मान लीजिए कॉइल लपेटा गया, मान लीजिए स्लॉट है तो दो ऐसे स्लॉट है, मान लीजिए इसमें ऐसे ऐसे कॉइल लपेटेगा तो करंट डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे में ऐसा मान लीजिए ऐसा, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे कॉइल लपेटेगा इधर से करंट का डायरेक्शन चलवा, समझ ना, यही करंट का डायरेक्शन यहां पर बदलता है, तो कुछ नया चीज नहीं है, परेशान नहीं होना, मतलब सीरीज फील्ड का करंट डायरेक्शन सन फील्ड के कंडक्शन के विपरीत चलेगा तो फर्क क्या करेगा, एक दूसरे का विरोध करेगा, ये लॉन्ग शॉट में कहानी है, समझ गए, तो शॉर्ट शॉट का दो शॉर्ट शॉट कम्युलेटिव पढ़े थे और शॉर्ट शॉट डिफरेंशियल पढ़े थे, लॉन्ग शॉट में भी दो लॉन्ग शॉट कम्युलेटिव और लॉन्ग शॉट डिफरेंशियल, ठीक है, ये दोनों फिगर बनाइए, इसके नीचे इसके बारे में लिखा गया है, चार्ट जिसके ऊपर वाला बनाए थे वैसे नीचे वाला भी बना दीजिए, ये जब ये नीचे में यहाँ तक आप उस चार्ट को बनाइएगा, इसका फिगर बनाइएगा और इसका फिगर बनाइएगा, और लेवल कंपाउंड जनरेटर और अंडर कंपाउंड जनरेटर करंट के आधार पर वो फर्क को जोड़ने के आधार पर फिर बार बार चर्चा करें, यहां आपको एक ही जनरेटर के बारे में आपको ज्यादा कुछ पूछना था वो आपको बता देंगे, क्या कहा है कि ओवर कंपाउंड जनरेटर मतलब क्या हुआ, डिफरेंशियल पढ़ लीजिए, कहा है कि वह जनरेटर जिनमें लोड करंट बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ जाता है, क्या ओवर कंपाउंड में लोड करंट अगर बढ़ रहा है तो लोड करंट को बढ़ाने के लिए और वोल्टेज की आवश्यकता होगी, तो आपको क्या करेगा वो वोल्टेज भी बढ़ा देगा, क्या होगा ओवर क्या है ओवर कंपाउंड जनरेटर, समझ के बात को सुन लीजिए, दिखा है लिख लीजिए, नहीं भी दिखा है तो क्या क्लियरली आपको यहां लिखा गया है, आपको बोल रहे हैं उसे लिख लीजिए, फिर बोलते हैं एक बार कि ओवर कंपाउंड जनरेटर कैसे किसे बोलेंगे, युवा जनरेटर जिनमें करंट बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज भी बढ़ जाएगा ओवर कंपाउंड जनरेटर कराएगा, और याद रखिए एक होता है लेवल कंपाउंड जनरेटर, ये डीसी है, ओवर के बाद लेवल कंपाउंड जनरेटर या इसी को फ्लैट कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे, इसमें क्या कहता है ध्यान युवा जनरेटर जिसमें लोड करंट बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज अस्थिर रहता है लेवल कंपाउंड जनरेटर कराता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है लेवल वाला, तो लेवल वाला याद रखिएगा, लेवल वाला क्वेश्चन पूछता है कि अगर करंट बढ़ भी जाए तो वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, ये ऐसा जुगाड़ है इसमें, क्योंकि दो चीज होती है, सीरीज वाला भी होता है होता है, एक दूसरे को मैनेज कर लेता है, समझ गए आपको, तो लेवल कंपाउंड जनरेटर एक अंडर कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर क्या होता है ध्यान दीजिएगा कि अंडर कंपाउंड जनरेटर में क्या हुआ करा कि वह जनरेटर जिनमें लोड करंट बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज घटता है, अंडर मतलब हमेशा वोल्टेज की बात करें, जब वोल्टेज करंट बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज बढ़ जाएगा तो ओवर कंपाउंड, जब वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो लेवल कंपाउंड, जब करंट बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज घट जाएगा तो अंडर कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा, ये करंट प्राइज बात था याद रखिएगा, हम आपको बताने जाए कि लेवल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कहां करते हैं फ्लैट या जहां पर वोल्टेज कांस्टेंट रहे बदले ही ना, करंट में थोड़ा लोड करंट बढ़ा उतार चढ़ा हो सकता है
कि लोड जैसा जैसा लगेंगे करंट वैसा वैसा लेगा वो, लेकिन वोल्टेज क्या कांस्टेंट रहना चाहिए वो कहां पर होगा, लेवल लेवल या फ्लैट कंपाउंडेटर का उपयोग क्या करते हैं, लेथ मशीन में करते हैं। लेथ मशीन क्या होता है कि आपको बता दें कि लेथ मशीन हैवी लोड को इस जगह पर हम क्या करते हैं, नट बोल्ट बनाते हैं, किसी गाड़ी का स्पिंडर बनाते हैं, जो भी जहाज तक का सामान बन जाता है लेथ मशीन, समझ गए। लेथ मशीन आप सर्च करके देख लीजिएगा, आपको लेथ मशीन नहीं पाने वाले, लेथ मशीन फिटर वालों की सही आती है, लेकिन बता दें लेथ में क्या होता है, आपको जो भी काठी बनाना है, आपको नट बोल्ट बनाना है, कोई स्लॉट बनाना है, कोई स्पिंडर बनाना है, कोई धुरी बनाना है, कोई चक्का बनाना है, जो भी चीज आप बना सकते हैं सब बना सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत चीज होती है लेथ मशीन, तो वहां पर क्या होता है ना कि कोई भी जैसे धुरी किसी गाड़ी का बनाना है उसमें एकदम फिक्स है, स्पीड कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम जितना डायमीटर मान लीजिए कितना मोटा आपको बनाना है ये, तो ये इसी माप में हमेशा बनाना चाहिए कि नहीं कि दो बार स्पीड अधिक घूम जाए, अधिक करंट चला जाने के बाद मोटर लगा होता है, आपके लेथ मशीन पर मोटर होता है, तो उसी मोटर को चलाने के लिए करंट एकदम वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए ताकि मोटर सही स्पीड से चले और आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो सही और एक्यूरेट माप का मिले। तो करंट वोल्टेज बढ़ता रहेगा तो लेथ मशीन में मोटर लगा होता है, तो जनरेटर से क्या करेगा, जनरेटर ना जनरेटर का करंट देगा, करंट उतार होगा, वोल्टेज का उतार हो गया तो क्या होगा, मोटर में वोल्टेज उतार हो जाएगा, स्पीड में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो जितना काटना ज्यादा कर जाएगा या कम हो जाएगा कम कर देगा, इसलिए कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट स्पीड पर काम करने वाला मोटर लगाता है लेथ मशीन में। आगे हम पढ़ेंगे कि लेथ मशीन में कांस्टेंट लोड कांस्टेंट स्पीड पर चलने वाला मोटर होता है, इसलिए वहां पर कांस्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है और लेवल कंपाउंड जनरेटर वहां पर प्रयोग करना चाहिए। ये आप नोट कर लीजिए, ये थे आपके क्लासिफिकेशन, आज थोड़ा सा दिमाग का थोड़ा सा होगा, अभी इतनी आसानी से धीरे बता रहे हैं आपको, ये क्लासिफिकेशन है और थोड़ा सा बढ़ाया आपको, थोड़ा सा आपका थोड़ा सा कितना बढ़िया, यही तो मेन था, पूरा कहानी का निचोड़ नहीं पड़े, ये अगर छोड़ चले जाएंगे ना तो आपको कल नेक्स्ट क्लास में थोड़ा समझ में दिक्कत होगा, आज इतना ही पढ़े हैं तो यहाँ आपको समझा दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपको बड़ा पूछा है, ध्यान दीजिएगा, क्या है कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कहां करते हैं, आर्क वेल्डिंग में करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बंधुओं, क्या है कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग आर्क वेल्डिंग में, कहां आर्क वेल्डिंग, ये देख रहे हैं आप, ये आर्क वेल्डिंग है, यहां पर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं, आज ज्यादा भूलने वाले नहीं है क्योंकि आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग क्यों करते हैं सर, ये आपको बता रहे हैं कि यहां पर क्या देखो, एक बार स्पार्किंग का पूरा चक्कर जाएगा, ध्यान दीजिए, हट जाएगा जिस समय स्पार्किंग हट जाएगा, आपको बता दें कि जब लोड बढ़ता है अधिक करंट की आवश्यकता होती है, वोल्टेज कम होना चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कांस्टेंट वोल्टेज वाला अगर कोई डिवाइस होता तो काम नहीं करता, समझ आपको, तो यहाँ पर लोड हटता है, लोड जुड़ता है, तो वहाँ पर डिफरेंट मोड में चलने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्या कंपाउंड जनरेटर है तो कंपाउंड जनरेटर में शंट वाला बिहेवियर करेगा और सीरीज वाला भी करेगा, जब करंट अधिक लोड के साथ चलना चाहिए, अधिक करंट मिलना चाहिए, तो सीरीज के तरफ बिहेवियर करेगा और लोड खत्म हो जाएगा, रख देगा, कभी मशीन को बंद नहीं करता जाके जी, तब तक कोई सामान सेट करता है तब मशीन चल रहा होता है, आप देखेंगे कि जब जब स्पार्किंग होता है तो मशीन उसका एकदम चिल्लाने लगता है, दड़ा फाड़ के पूरा आवाज कर देता है, क्यों, क्योंकि लोड बढ़ा है तो करंट अधिक चाहिए, वैसे स्थिति में सीरीज की तरह काम करेगा, समझ बात को, और जब लोड हटा दिए तो संट की तरह काम करेगा, तो संट और सीरीज दोनों मिलकर कंपाउंड जनरेटर की बात है, इसलिए यहां पर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करेंगे, कंपाउंड मतलब डिफरेंट डिफरेंट समय में लोड बढ़ता है घटता है तो सभी सिचुएशन हैंडल करने के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करेंगे, याद वेल्डिंग करते हैं, है जहां पर अधिक करंट बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा, भाई ज्यादा करंट लगा तो वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा, ऐसी स्थिति में इस जनरेटर का लोड में क्या फ्लक्स घटता है, लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज कम होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, तो उसमें क्या बढ़ जाता है, और कहा कि आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, ये डिफरेंशियल का, आप कैसा कम्युलेटिव का प्रयोग करते हैं, देखिए आपको बता दें कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं इंडिकेशन लैंप, सर इंडिकेशन लैंप क्या होता है, इंडिकेशन लैंप जानते हैं, अरे सब लोग देखें, भले आज एलईडी आ गया है लेकिन फिर भी आप देखेंगे कुछ पीला कलर का बल्ब होता था पहले, सबसे पीला कलर का बल्ब होता था 100 वाट 60 वाट वाला, उसको इंडिकेशन लैंप बोलते हैं, भाई आप इतना दिन से कहां थे ये भी नहीं जानते हैं, जब हाल आपका इंडिकेशन लैंप या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक रेलवे में भी करते हैं, और कांस्टेंट डीसी वोल्टेज के लिए आप करते हैं क्या कम्युलेटिव वाला, ये कम्युलेटिव दोनों पल्स को मिला करके ये आर्मेचर को काटता है तो उसमें डिफरेंट का संभावना कम रहता है, और क्या करते हैं कांस्टेंट वोल्टेज के लिए चलने वाले जो भी मशीन है यानी मोटर जैसे लेथ मशीन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी मशीन का यूज करते हैं, हम जाते हैं और वहाँ पर भी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते थे उसमें भी करंट ज्यादा मात्रा में कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर लेयर जमेगा किसी अन्य पदार्थ का, याद आ रहा है आपको किसी भी अन्य पदार्थ का अगर लेयर जमेगा तो सेम लेवल पेंटिंग सेम लेवल होना चाहिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या करते हैं कम्युलेटिव कंपाउंडर का प्रयोग करते हैं, अब इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ये थे आपके सारे सारे क्लासिफिकेशन, अब इसके बाद हम लोग याद रखिए ये तो आज के चैप्टर में आप क्लासिफिकेशन देखते ज्यादा ज्यादा इस सारे क्लासिफिकेशन से उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा था, सिर्फ सर्ट वाला सर्ट वाला क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पार्ट में दो चीज रखिएगा, समझ करिए जब सर्ट जनरेटर तक थे वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है के बारे में क्वेश्चन आता है उस पर आता है, अब लेकिन अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा क्या है कॉम्प्लिकेटेड भी है और वही से क्वेश्चन ज्यादा आता है, याद रखिएगा जैसे पूरा जनरेटर महत्वपूर्ण आपके लिए, याद रखिए जनरेटर जितनी आसानी से समझ लेंगे उतनी आसानी से मोटर समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बात आपको अभी बार बार चिल्ला चिल्ला कर रहे, ठीक है, तो एक बार जब पढ़ के आइएगा तो सभी चीजें पढ़ के आइएगा और एक बार मैग्नेट को पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैग्नेट पर भी सोचवाते रहेगी और हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तब तक क्लीन कर देते हैं, आप लिख लीजिए और बस नहीं पढ़िए और जबरदस्ती पढ़िए एकदम पढ़िए, ठीक है, पढ़ाई अगर आप इजी वे में पढ़ रहे हैं, याद रखिए अगर आपको परेशान नहीं हो रही है मतलब आपको क्लास से कोई टेंशन नहीं, देख लेंगे बना लेंगे तो समझ लीजिए आपकी पढ़ाई इजी वे में नहीं हुई है, ये दुनिया के तरह चलते हैं, कुछ अलग करना है तो दुनिया की भीड़ से हटकर करना पड़ेगा, कहते हैं कि भीड़ जो होती है वो साहस को देती है लेकिन पहचान छीन लेती है, पहचान बनाना है तो भीड़ से हटकर काम करना पड़ेगा, जब भीड़ से हटेंगे तो आपको तकलीफ और परेशानी होगी, मैं आपको बता देता हूँ जितने भी वीडियोस आप देखते हैं सबके लिए वो हकीकत होता है, मैं खुद अपना दिन तारीख हॉलीडे सैटरडे संडे ये भूल जाते हैं, कब क्या होता है मोबाइल देना पड़ता है तो लड़के आगे जाते हैं उसको बोलते कौन सा दिन है थोड़ा सा बताओ, लड़के बताते हैं कल कौन सा फेस्टिवल है, सच कह रहे हैं तो मैं भूल जाता हूँ तो आपको भी भूल जाना पड़ता है, तब समझे तैयारी हो रही है, अरे बहुत ही हम जिंदगी और थोड़ी करें भूल जाने के लिए, कुछ दिन भूल जाओ ना उसके बाद ऐसा हम जिंदगी मजे में जीना है, इन बातों के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट दिन लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, इसको नोट कर लीजिए क्लियरली नोट बनाइए।